आप लोग गुड इवनिंग सभी को। आप लोग प्लीज़ ज़रा जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, अगर ऑडियो वीडियो ठीक है तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चले जी आ गए सब, चाय नाश्ता सबने कर लिया होगा। विकास कुमार जी 50-50% न्यूमेरिकल और उसका पोर्शन होता है। एलसी के अमाउंट से ज़्यादा की इनवॉइस एक्सीड मेरी ओपिनियन में हो सकती है। लेकिन पेमेंट उतना ही होगा जितना वो एग्री करेंगे आइटम्स के लिए। विकास कुमार ने आंसर दिया है नो। नॉट इनवॉइस ओनली एलसी। ये तौसीफ ने और विकास ने आंसर दिया है। आप लोग एग्रीड हैं इस आंसर से? तौसीफ कह रहे हैं नो, मैं कह रहा हूँ हाँ, तो एक बार भैया क्रॉस चेक कर लो। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि पेमेंट पेमेंट कितना होगा। विकास कुमार जी का पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन है। क्वांटिटी में अच्छा ठीक है, क्वांटिटी में 5% का वेरिएंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अमाउंट में नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, हम इसमें फाइनल उसमें जा रहे हैं कि भाई अमाउंट में, एलसी के अमाउंट में इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उस बैंक को वो अमाउंट उतना करना पड़ेगा। और अगर सामान कम ज़्यादा है तो उसमें वेरिएशन क्वांटिटी में वो कर सकता है। एनआरई एनआरओ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ, आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए जी, आज हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल ए, और मॉड्यूल ए का पहला यूनिट देखिए बड़ा ही लंबा और मुश्किल चैलेंज हमने लिया हुआ है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस चैलेंज को कैसे हम पूरा कर पाएँ। हमारी सारी कोशिश इस मामले में रहेगी, पूरा चैलेंज हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। चलिए सीधे जल्दी जल्दी अपने मतलब के वीडियोस पे आते हैं हम लोग और काम को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, सबका इंट्रोडक्शन पता है फॉरेक्स क्या होता है, ठीक है। ये सब पता है, फेमा होता है, आरबीआई होता है और आपका फेडाई होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ईडी होता है, फेडाई, आरबीआई, फेमा, ये सब मिलजुल के जो है फॉरेन एक्सचेंज के बिज़नेस को चलाते हैं, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमेशा काम करता है। राउंड द क्लॉक चलता है और बहुत लार्ज मार्केट है, सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट फंड बैंक्स हैं, फॉरेक्स ब्रोकर हैं, ये सारे लोग इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडिविजुअल्स लोग भी इसमें मार्केट में होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना आपने, 24 घंटे चलता है, ये इसके फीचर्स हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है कि पहला क्वेश्चन ये है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्या है, सबसे पहला बात आती है फंडामेंटल रीजन, यानी जो बिल्कुल बेसिक रीजन्स हैं जिनकी वजह से, जिनसे हमारा फॉरेक्स का जो है रेट्स का मैकेनिज्म चलता है। और फंडामेंटल रीजन में है आपके क्या क्या चीज़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने लास्ट क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, यानी आपके पास प्लस और माइनस कितना है, कितना सरप्लस है इस समय पे। तो सरप्लस से क्या होता है, आपकी करेंसी, होम करेंसी लीड होती है और डेफिसिट से सेम उल्टी होती है, वाइल अ डिफिसिट वीकेंस द सेम। डेफिसिट से आपकी जो करेंसी है वो वीक हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आपको हाई ग्रोथ रेट में अच्छी वैल्यू देता है। फिस्कल पॉलिसी, आपका जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसके लोअर टैक्स कैन लीड ए हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। जहां पर टैक्स कम होते हैं वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होने के चांसेस होते हैं। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है, मॉनेटरी पॉलिसी से भी आपके सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है वो लाता, वो होता है। उसके अलावा आपके वहाँ इंटरेस्ट रेट, अगर वहाँ पे हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होंगे तो अट्रैक्ट होगा ओवरसीज कैपिटल। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अपना $5,00,000 यहाँ भेजेंगे, रुपये में कन्वर्ट कराएंगे, यहीं वे इन्वेस्ट कर देंगे, 6-7% का रेट लेंगे और जिस दिन जाना होगा उस दिन कन्वर्ट करा के वापस लेके चले जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कोई भी यहाँ नहीं लाएगा, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, सरकारों का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। सरकार चाहती है कि भैया विदेशों और उनकी ग्लोबल रिलेशन अच्छे बनेंगे तो ये होगा। तो ये कौन से रीजन है, फंडामेंटल रीजन है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल रीजन की, अब बात करते हैं हम टेक्निकल रीजन में। टेक्निकल रीजन में जो बात आती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सब कुछ होता है, तो बोलता है गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू एन अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट। फ्रीडम और रेस्ट्रिक्शन ऑन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट द एक्सचेंज रेट टू ए लार्जर एक्सटेंट। दिस इज ए फिनोमेना विच वाज सीन इन द इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह वगैरह, यहाँ देखा गया था। फिर क्या हुआ, ह्यूज सरप्लस जनरेटेड इन द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री सच एज ओपेक कंट्री विच कुड नॉट बी यूटिलाइज इन दीज कंट्रीज हैड टू बी इन्वेस्टेड ओवरसीज। दिस क्रिएटेड ह्यूज मूवमेंट ऑफ कैपिटल ओवरसीज एंड रिजल्टेंट एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी कंट्री विच गॉट द इनफ्लो ऑफ द, तो उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई, जिस कंट्री में दूसरी कंट्री की करेंसी, अगर यहाँ पे डॉलर खूब आने लग जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, आपके पास डॉलर जो है घूमता रहेगा, आप कभी भी ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा उसे महंगा नहीं करेंगे। कैपिटल नॉर्मली टेंड्स टू मूव विद द लोअर यील्डिंग टू हायर यील्डिंग करेंसी, तो जो कैपिटल का मूवमेंट होता है, जो लोअर यील्डिंग
होती हैं उनसे क्या है हाई यील्डिंग करेंसी में जाता है, जिस की यील्ड कम है वहां से जहां पे लीड यील्ड जाता है वहां जाता है एंड रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द एक्सचेंज। और इसकी वजह से क्या होता है, तो दो तो एक फंडामेंटल हुए, एक टेक्निकल रीजन हुआ, थर्ड होता है आपका स्पेकुलेटिव रीजन, यानी कि आप केवल सट्टेबाजी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है क्यों होता है क्यों नहीं होता। लोगों ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया डॉलर, उनको लगता है कि 2 महीने बाद डॉलर बहुत महंगा होने वाला है, जिसका कोई बेसलेस यानी कहते हैं बेसलेस रीजन से जब आप ऐसा करते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है तो स्पेकुलेशन में क्या बोलना, कैन हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट इन एन एक्सपेक्टेशन दैट द करेंसी विल बी डीवैल्यूड, द स्पेकुलेटर विल शॉर्ट सेल द बेस करेंसी। अगर लगता है सस्ती होने वाली है तो जल्दी जल्दी बेच देंगे ऑफ ऑफ बाइंग इट्स बैक द चीपर एट ए लेटर, और बाद में क्या करेंगे जब महंगा होगा तब खरीदे वो कर लेंगे। दिस वैल्यू कैन एक्ट अ लीड इन द मोमेंट इन द मार्केट एज द एक्सपेक्टेशन फॉर डिवेल्यूएशन ग्रोस एंड एक्सटेंड टू अदर मार्केट पार्टिसिपेंट एज वेल। तो ये स्पेकुलेशन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, बस ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा होने वाला इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो अब आता है बहुत ही प्रोमिनेंट सा टॉपिक जिसमें हम लोग देखिए इस वीडियो की अगर आप डिटेल वीडियो है वो है, अभी हमारा काम है कि टच करना चीज़ों को। ठीक है, रेडी वो होता है जो सेम डे में डीलिंग होती है, टर्म वो होता है जो कल डीलिंग होती है, स्पॉट वो होता है जो 2 दिन बाद होती है, फॉरवर्ड वो जो होता है जो 2 दिन से भी आगे की होती है, आज कल परसों और परसों के बाद कभी भी। तो ये डीलिंग की जो डेट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग, यानी उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ फंड, ये इसको वैल्यू डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम वैल्यू डेट भी बोलते हैं। जिस दिन सेटलमेंट होता है उस दिन को, अगर वो सेम डे में है तो ये और अगले दिन है ये, उसके सेकेंड वर्किंग डे में है ये और उसके बाद ये। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि द स्पॉट डील 3 अक्टूबर 2016 को हुई, सेटलमेंट डेट विल बी 5 अक्टूबर, प्रेज्यूमिंग दैट मार्केट्स आर वर्किंग ऑन इतने इतने इतने। अब यहाँ देखो, अगर कोई डे अगर हॉलीडे आ जाता है तो उससे अगला दिन मान लिया जाता है कि उससे अगला दिन हमारा सेटलमेंट का डे होगा। ठीक है, फॉरवर्ड के बाद, फॉरवर्ड में 2 बातें निकल के आती हैं, कभी फॉरवर्ड में फ़ायदा होता है, कभी फॉरवर्ड में मतलब फ़ायदा नहीं, फॉरवर्ड सरप्लस होता है और कभी फॉरवर्ड पीछे रह जाता है। तो इसको हम इस तरह से बोलते हैं, देखिए पहली बात तो बोली कि फॉरवर्ड वाले सारे जो है कोट किए जाते हैं किसमें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फॉरवर्ड के स्पॉट से पूछे जाते हैं, स्पॉट रेट फॉर डिलीवरी ऑफ करेंसी एंड एक्सचेंज द स्ट्रीम करेंसी डेल्ट विद द वर्किंग डे, कुछ नहीं है ये सब कुछ है, डेप्थ अदर हैंड है। हाँ, अब नीचे आ गया है इसमें हमारा कि फॉरवर्ड के जो प्रीमियम और डिस्काउंट की बात आती है, अगर फॉरवर्ड मार्जिन यानी स्पॉट वैल्यू के ऊपर, स्पॉट वैल्यू के नीचे या स्पॉट वैल्यू के बराबर, अगर स्पॉट रेट से ज़्यादा यानी जो परसों का रेट है, आने वाले एक दिन बाद का रेट है, वो अगले 30 दिन बाद जो रेट है वो अगर बढ़ने वाला है तो हम उसको बोलेंगे प्रीमियम, और घटने वाला है तो उसे बोलेंगे हम डिस्काउंट। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ, वेयर द जीबीपी इज कोटेड एज इतना अगेंस्ट द यूएसडी एंड 3 मंथ फॉरवर्ड एज इतना यानी 100 पिप्स। तो यहाँ क्या बोला देखो, उसने यहाँ बोला 1.2115 है और 100 डेज बाद 1150 है, 2150 इतना है। तो कितने का फर्क आया यहाँ पे देखिए, 001। अब 100 पिप्स का मतलब होता है कि ग्रेट ब्रिटेन पौंड की छोटी यूनिट, ठीक है, एट ए डिस्काउंट, और क्योंकि ये सस्ता हो गया इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ महंगी हो गई है तो उसको हम बोलेंगे क्या है, प्रीमियम। यहाँ पर आ गया देखो, इतना एंड सोल्ड इन इतना, यानी 6810 पे खरीदा और कितने पे बेचा, इतने पे, 6 मंथ की प्रीमियम जो है उस तरह से देखा जाए तो बोलता है 6 मंथ की प्रीमियम कितनी दे रखी है, 6869। तो ये जो 6869 है दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, 0.68 और यहाँ पर है 0.69, अगर ऐड करते हैं
तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 78। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। ये बात आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट में से एक क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट कोट हमेशा जो होती है उसमें जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी फिक्स होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी फिक्स होती है। इनडायरेक्ट कोट में डोमेस्टिक करेंसी फिक्स होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें क्या है, डोमेस्टिक करेंसी जो है फिक्स है, ये इनडायरेक्ट कोट है, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी फिक्स है, ये ऊपर और नीचे होती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से यही पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल के लिए, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एज जनरली कोटेड एन अ गिवन डे कैन बी एड, तो अब ये कोटेशन दे रखी कई सारी, क्या दे रखी है, यूएसडी आईएन का मतलब पर यूएसडी, एक यूएसडी में इतने रुपीज हैं। अब यूरो यूएसडी है यहाँ पे, तो उसने बोला पर यूरो में जो पहला लिखा हुआ वो पर होगा, यानी ये यूनिट है वन, वन यूएसडी में इतने रुपीज आते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये पर है, यानी पर जीबीपी इज इक्वल टू इतने यूएसडी पर, अब ये देखो पर यूएसडी इज इक्वल टू इतने जेपीवाई, इस तरह से ये कोटिंग होती है। क्रॉस रेट की बात होती है, क्रॉस रेट वहां होता है जहां पर दो से ज्यादा करेंसियों का डिटेल होता है, वहां क्रॉस रेट होता है। इसका न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, क्या है देखिए यहां पे, जैसे यहां लिखा हुआ देखिए, द टेक द रेट्स फॉर यूएसडी आईएनआर एंड जीबीपी यूएसडी टू कंप्यूट क्या जीबीपी आईएनआर, यानी कि वन यूएसडी इज इक्वल टू समथिंग 70 रुपीज है, एक बात हो गई। यहां पे होता वन जीबीपी इज इक्वल टू, मान लिया हमने लिखा 1.5 यूएसडी है, तो अगर हम इसको करेंगे तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीबीपी इज इक्वल टू ये आपकी वैल्यू हो जाती है इतने रुपीज, ठीक है। इसी को हम क्रॉस रेट बोलते हैं, एक एग्जांपल कराऊंगा बहुत अच्छी तरह वाला, जिससे आपको कोई डाउट ना है। फिर अगली बात आती है फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि अगर आपके रेट ऑफिशियल रेट सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज फॉर करेंसी इट इज यूजुअली पैक्ड ऑन वन और मोर करेंसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज डिसाइडेड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, यानी जिसमें सरकार का रोल ना होकर के उस मनी की, उस करेंसी की सप्लाई और डिमांड पर होता है, ठीक है। चलिए आपस में आप लोग जो डिस्कस करते हैं करते रहिए, अलाउड है सब कुछ, है ना। कहीं मुझे कुछ बोलना होगा या जिसमें मैं बहुत क्लियर होऊंगा वो मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा, ठीक। हाँ आगे, तो फिक्स फॉर्म में क्या होगा, अगर वो गवर्नमेंट फिक्स करती है तो उसे फिक्स रेट, और अगर सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है तो वहां पर उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। रेट्स आर अलाउड टू फ्लक्चुएट बिटवीन डेफिनेट अपर एंड लोअर बैंड्स एज फिक्स बाई द, अब वो कहता है कि कोई भी जो फिक्स एक्सचेंज रेट होते हैं उसमें एक चीज़ फिक्स होती है, जैसे मान लिया आज 48.4644 रुपीज है, तो कहता है ये ज़्यादा से ज़्यादा 75 पैसा ऊपर जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 80 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स, यानी वो प्राइस में ऊपर या नीचे होने की एक रेंज है, उसको फिक्स रेट की तरह बोला। इन सम केसेस इवन फिक्स एक्सचेंज रेट आर अलाउड टू फ्लक्चुएट, पर वो जो फिक्स रेट होते हैं इससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाते हैं, ठीक है। सेंस इतना है द वर्ल्ड इकोनॉमिक हैव अडॉप्टेड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब एक वर्ल्ड की इकोनॉमी कौन से फ्लोटिंग पे करती है, इंडिया स्विस टू है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और इंडिया भी अब फ्लोटिंग पे ही काम करता है। द कंपोजिशन ऑफ द करेंसी इन द बास्केट वाज डिसाइडेड अपॉन द ट्रेड वेट बेसिस, अब देखिए यहाँ पे
कि करेंसी का कंपोजिशन, कि कौन सी करेंसी का ज्यादा वेट है, ट्रेड वेट का मतलब जिसकी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी फ्लक्चुएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज हुज करेंसी फॉर्म द बास्केट, और किस करेंसी से किस कंट्री से डील हो रही है उस पर डिपेंड करता है उसकी डीलिंग का, उसका रेट का तय होना। ठीक है, बिड और ऑफर है, बिड होता है बाइंग रेट, ऑफर होता है सेल, बिड होता है बाइंग रेट और ऑफर होता है सेल रेट। ठीक है, तो बोला है यहाँ पे यूएसडी आईएनआर कोट, यूएसडी इतना एंड ऑफरिंग टू सेल इतना इतना। ठीक है, एक्सचेंज अर्थमेटिक थ्योरेटिकल ओवरव्यू है, चेन रूल की बात करते हैं। बिल्कुल, चेन रूल में क्या होता है, देखो आप पर सेंट पर मिले, चेन रूल की बात करते हैं, इसमें क्या है, उसमें बोला हुआ था टू क्वांटिटीज हैं जो लिंक टुगेदर है, टू क्वांटिटीज हैं जो लिंक टुगेदर हैं और थ्रू अनदर क्वांटिटीज एंड कंसिस्ट सीरीज ऑफ इक्वेशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था कि डॉलर से यूरो बनाना और यूरो से रुपए बनाना, तो उस कंडीशन में आप डॉलर से रुपए कैसे बनाएंगे इस बारे में है, कैन क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा और समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करता है परसेंट पर मिले, यहाँ ध्यान रखना परसेंट हंड्रेड को बोलते हैं, पर मिलियन बोलते हैं, पर थाउजेंड को बोलते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ इंडिया में परसेंट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलता है और कई जगह क्या है पर मिले का चलता है। इसमें क्या है, परसेंट का मतलब 1% के हिसाब से लिया जाता है और पर मिले में लिया जाता है पर थाउजेंड, पर मिले का मतलब पर थाउजेंड, वन पर मिले इज वन पार्ट ऑफ एवरी थाउजेंड। ठीक है, यानी 1/1000 को बोलेंगे पर मिले और 1/100 को बोलेंगे हम पर सेंट। ठीक है, वैल्यू डेट क्या होती है, वैल्यू डेट होती है जिस दिन में ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है। दिस इज द टर्म्स यूज द डिफाइन द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ फंड, यानी जिस दिन पेमेंट आपको मिलते हैं एन एंट्री टू द अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टिव। पहले तो बोला कि भैया इसका पेमेंट आना है और जिस दिन आ जाएगा तो उसको बोलेंगे, और सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट इफ एनी। इन द केस ऑफ पेमेंट ऑन टेलीग्राफिक ट्रांसफर टी टी इज द वैल्यू डेट इज यूजली द सेम। अब जब मान लिया टी टी आ रही है तो सेम डे में हो जाती है तो उसको बोलते हैं वैल्यू डेट सेम है। पेमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव करेंसी इन ईच सेंटर टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे। ठीक है, विजेंद्र भूषण जी ने बिल्कुल सही कमेंट किया हुआ है, यही हम कहना चाह रहे थे कि भैया जो जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया और जिसको थ्योरी अच्छी नहीं लगी वो क्लास छोड़ के जा सकता है, इसके लिए हमारा कोई कंपल्सन नहीं है। एक्चुअली बीएफएम एक दो दिन में नहीं होता, ये वास्तव में कम से कम 10-20 दिन आप पढ़ते हैं तो होता, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करें। अभी में क्या है, दो तीन न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लास ली थी वीएआर का, आप लोग बोले थे, मैंने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में बता दिया था आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल विनी अग्रवाल जी, ये रिवीजन टाइप का है। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट आता नज़र में तो आप हमारे साथ बने रहें। चलो हाँ आगे देखते हैं, सो दैट द गेन और लॉस इंटरेस्ट अक्रूज ऑफ द पार्टी सच पेमेंट आर सेट टू बी वैल्यूअर कंपेंस। अब देखो ये एक वर्ड आ सकता है, इस वर्ड को ध्यान दीजिए क्या कहता है, इस वर्ड को यहाँ से पढ़ते हैं। पहली बात तो बोला टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेम डे होता है, पेमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव करेंसी इन ईच सेंटर टेक प्लेस ऑन द सेम डे सो दैट नो गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट अक्रूज टू द अदर, यानी अगर उसी समय पेमेंट हो जा रहा दोनों लोगों को तो कोई भी लॉस नहीं होता। सच पेमेंट्स आर सेट टू बी वैल्यूअर कंपेंसी, ध्यान रखना कि जो पेमेंट सेम डे होते हैं उनको हम बोलते हैं सेम डे सेटल हो जाते हैं, सेम डे मिल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेट टू बी वैल्यूअर कंपेंसी। ठीक है, और सिंपली हेयर एंड देयर या थोड़ा सा बिल्कुल हल्का फुल्का कोई डेविएशन हो जाए कभी, इफ देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द रिसीट ऑफ फंड एंड द पेमेंट, तो उसमें क्या बोलेंगे हम लोग
कंपनसेशन शुड बी पेड विद, और अगर आप डिले करेंगे तो पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। नॉर्मल मोड ऑफ कंपनसेशन इज इंटरेस्ट, आपको ब्याज देना पड़ता है विद एज पर रिकवर द पेड सेपरेटली। दिस मे बी डन बाई एडजस्टिंग द वैल्यू डेट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टी, दस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फंड इज नोन एज द, तो इसका मतलब जिस दिन सेटलमेंट होता है उस दिन हमको हम वैल्यू डेट कहते हैं। आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज, आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक ही समय पर एक ही चीज़ की खरीद कहीं से करना और उसी समय पर उसी चीज़ को दूसरी जगह बेच देना, यानी मार्केट अलग अलग यूज़ करना खरीदने और बेचने के लिए एक ही समय पर। तो क्या होता है, साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग करना। हालांकि ये बहुत टेक्नोलॉजिकल वो है, अब क्या है सबके पास टेक्नोलॉजी है, अब आप तुरंत पता लगा सकते हैं कि सिंगापुर में क्या रेट चल रहा है और लंदन में क्या रेट चल रहा है, तो इस समय उतने बहुत ज़्यादा रेलिवेंट अब ये टेक्निक नहीं रह गई है। ठीक है, आगे है परचेज ऑफ वन करेंसी अनदर वन सेंटर एकम्पेन्ड बाई द ऑलमोस्ट इमीडिएट सेल अगेंस्ट द सेम करेंसी इन अदर सेंटर। ठीक है, ये मैंने बताया बात होगी तो मैं रुकूंगा। इसमें क्या है, रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल स्पीड इन हैंडलिंग द डील। पता लगा जैसे ही आपने एंटर मारा इतनी देर में रेट बढ़ गया, तो बहुत दोनों एंटर साथ पड़ जाएं। ठीक है, रेट कोटेड ऑफ मर्चेंट्स फॉर रिटेल ट्रांजेक्शंस आर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड बाय द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, बाय द कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे आगे आते हैं, इसके बाद आता है फॉरन एक्सचेंज रूम ऑपरेशन। यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन थ्योरी का आपका आने वाला है, जरा अलर्ट हो जाइए सब लोग। ठीक है, तो इसमें बोला फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम होता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम क्या करता है, ऑपरेशन कंप्राइज द फंक्शन ऑफ ए सर्विस ब्रांच टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर ऑफ अदर ब्रांच डिवीजन। यानी जो डीलिंग रूम है वो एक तरह की सर्विस ब्रांच है, जो आपकी और ब्रांचें हैं उनकी बाई और सेल की जो आपकी एक्टिविटी है उसको करती हैं, मैनेज करती हैं फॉरेन करेंसी को के एसेट और लाइबिलिटी को, फंड और मैनेज को, नॉस्टो अकाउंट को मैनेज करती हैं एंड ऑल्सो अंडरटेक द प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन करेंसी। इट एक्ट्स एज ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। ये हमने जब ट्रेजरी को भी बोला था कि ट्रेजरी आजकल एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, द डीलर हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज और अंडरटेकिंग मार्केट एक्टिविटीज आर द मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर। कुछ नहीं है, डीलर हमारे जो हमने बताया था कि फॉरेक्स डीलर जो है, यानी जो ट्रेजरी में एक फॉरेक्स का भी डीलर होता है उसके बारे में बोला हुआ है इसमें। और ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन जो है, जो आपका फॉरेन करेंसी का डीलिंग होता है, तो उसने बोला कि पहली बात यहाँ बोलता है फंड पोजीशन और करेंसी पोजीशन होती है, जिसमें बोलता है फंड पोजीशन रिफ्लेक्ट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, यानी रिसीवेबल और पेबल कितने होने वाले हैं। कोई भी मिसमैच होता है रिसीवेबल में तो उसमें क्या होता है, विल थ्रो ओपन इंटरेस्ट रेट। जैसे ही आपका मिसमैच होगा तो आप कहीं से फंड लाएंगे, कहीं को फंड देंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट रेट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि आप नॉस्टो अकाउंट से क्या उठा लें, ओडी उठा लें और ओडी उठा के अपने पैसों को भरेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डीलर टू प्रोप्राइटरी प्रॉपरली मेंटेन द फंड पोजीशन ऑफ द मैन। ठीक है, ये तो बात हुई फंड पोजीशन, अब बात करता है करेंसी पोजीशन की। अदर डील्स विद द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पोजीशन, आज की तारीख में कितना ज़्यादा खरीद लिया और कितना ज़्यादा बेच दिया। अराइव्ड आफ्टर टेकिंग वेरियस मर्चेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन एट द डीलर विल बी कंसर्न विद द ओवरऑल नेट पोजिशन विच एक्सपोजेज द डीलर टू एक्सचेंज रिस्क फ्रॉम द मार्केट मूवमेंट द डीलर हैज टू। करेंसी पोजिशन में सिर्फ करेंसी, जितनी भी आपकी करेंसीज हैं उनकी खरीद और वो होती है। फंड पोजिशन में आपका ओवरऑल वो देखा जाता है पूरा। ठीक है, आगे बोलता है द डीलर हैज टू ऑपरेट विद इन द परमिटेड लिमिट एक्सचेंज पोजिशन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। द फंड पोजिशन कंप्राइजेज आइटम ऑफ दैट आर रेडी इन नेचर। ठीक है, फंड पोजिशन में क्या है, रेडी इन नेचर जो होते हैं और इफेक्टिंग फंड पोजिशन इमिडिएटली एज ऑल्सो दोज इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड विच इफेक्ट फंड पोजिशन ऑन लेटर डेट।
आगे देखिए एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ से आता है, बैक ऑफिस क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम का बैक ऑफिस क्या करता है। वो कहता है कि जितने भी फ्रंट ऑफिस ने डील बुक करी हैं उन डील को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उनके अकाउंट मेंटेन करता है और रिकन्सिलेशन करने का सारा काम कौन करता है, बैक ऑफिस करता है। द फंक्शन इज ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस एनी लेक्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइदर इट मे बी निगेट द एफर्ट ऑफ द डीलर, यानी जो डीलर ने काम सोच के काम किया है उसको क्या करता है, बिल्कुल जीरो कर सकता है, उसको नेगेटिव कर सकता है, उसको कम कर सकता है। और इट कुड बी सो लैक्स दैट द डीलर्स एक्सप्लॉइट द सिचुएशन एंड इंडल्ज इन अ मिस रिपोर्टिंग ऑफ रॉन्ग डूइंग। अगर ये सुस्त पड़ जाएगा कौन, बैक ऑफिस सुस्त पड़ जाएगा, तो जो डीलर है वो गलत काम कर सकता है। और हेंस द बैक ऑफिस हैज बोथ सपोर्टिव एज वेल एज चेकिंग रोल, यानी वो फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट भी करता है, उसके साथ उसका जो है दूसरा जो है सपोर्टिव के साथ चेकिंग रोल, यानी सुपर सपोर्ट भी करता है और सुपरवाइजिंग भी करता है। ठीक है, अब बात आती है मिड ऑफिस की। द थर्ड पार्ट में बोला उसने मिड ऑफिस, और मिड ऑफिस में क्या बोलता है देखिए, विच डील्स विद द रिस्क मैनेजमेंट करता है, पैरामीटराइजेशन ऑफ रिस्क करता है, फॉर डीलिंग नो ऑप्शन इंक्लूडिंग फॉर सैंक्शन, इट एक्ट्स एज अ चेक ओवर द रिस्क टेकन बाय द डीलर्स एज ऑल्सो सप्लीमेंट देम टू गिविंग मार्केट, यानी उनका वो चेक करता है कि जो डीलर जो यानी कि फ्रंट ऑफिस का जो बंदा है वो काम कर रहा है, उस काम को देखता है कि उसकी जो डील हुई है वो किस तरह की हुई है, और उसको कोई इंफॉर्मेशन मार्केट से देनी होती है देता है। मिड ऑफिस इज ऑल्सो सपोज टू लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस एंड इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये सब कुछ देखता है। ठीक है, इसमें से ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, फ्रंट विंग और रिजर्व बैंक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर करता है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फॉरेन एक्सचेंज के लिए फेडाई भी काम करता है, जो क्या है प्रॉफिट लॉस वैल्यूएशन करता है फॉरेक्स की। एट द एंड ऑफ ईच वन नॉट बी स्टैंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग अकाउंटिंग एंट्री क्वार्टरली। ठीक है, एज पर द गाइडलाइंस ईच फॉरेन करेंसी पोजिशन कवरिंग, ईच फॉरेन करेंसी का मतलब है कि आपको डॉलर का भी देखना है, आपको यूरो का भी देखना है, आपको येन का भी देखना है, उनकी पोजिशन देखनी है, क्या उनके पास ज़्यादा है, सरप्लस तो नहीं है या कमी तो नहीं हो रही है। ठीक है, कवरिंग ऑल कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी पोजिशंस। मिरर अकाउंट ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है जब आप फॉरेन कंट्री से डील करते हैं तो उस डीलिंग में क्या होता है, उसी का एक अकाउंट अपने पास बना के रखते हैं। वहाँ तो जो आपने कहा जी हमने पेमेंट दे दी, तो आप तो लिख लेंगे हमने पेमेंट दे दी, लेकिन वहाँ मिली या नहीं मिली ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपनी एंट्री कर लेंगे, जब रिकन्सिलेशन होगा तब देखा जाएगा। फॉरेन करेंसी नोट्स हेल्ड इम्पोर्ट सस्पेंस अकाउंट ऑल स्पॉट फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट भी बोथ साइट और ट्रांजेक्शंस विच आर रिपोर्टेड इन पोजिशन डेस्क बट नॉट एज एन अकाउंट एक्चुअल वाउचर नॉट पुट। तो ये सारा काम जो है आपका मेंटेन किया जाता है मिरर अकाउंट के थ्रू। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन, अब फेडाई की बात आती है, एडवाइजेज द वैल्यूएशन ऑफ रेट्स बेस्ड ऑन द ऑनगोइंग मार्केट रेट मंथ एंड डेट टू इनेबल द अथॉरिटी ऑथोराइज डीलर टू रिवैल्यूएट द फॉरेन करेंसी पोजिशन। वो कहता है हर मंथ में आप अपने फॉरेन करेंसी के स्टॉक को देखेंगे और अपना जो भी आपका प्राइस है उसको दोबारा से चेक करेंगे, जो आपने सोचा था वैसा ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, जो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीलिंग रूम, जो डीलिंग रूम होता है उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या होता है, उसने बोला जो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो शुड फ्रेम द एप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड फिक्स सुटेबल लिमिट्स फॉर द फॉरेक्स डीलिंग फंक्शंस। द मैनेजमेंट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशंस शुड फोकस ऑन रिस्क एसोसिएटेड विद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन विच अराइज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सब कुछ होता है आगे। हाँ, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें देखो, कुछ रिस्कों के नाम आ गए, ये थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे, हालांकि बेसिल में हम लोग
कई बार इनकी बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। ऑपरेशन रिस्क क्या होता है? जो ह्यूमन एरर, सिस्टम फेलियर या मशीन फेलियर या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होता है। कई बार हमने स्ट्राइक वगैरह भी इसमें आती, इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? जब दो करेंसी के रेट्स में फ्लक्चुएशन होता है, तो उसने बोला हुआ है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट और व्हेन मिसमैचेज अकर इन एसेट एंड लायबिलिटी एंड रिसीवेबल पेबल्स, इस समय में फ्लक्चुएशन होता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? अगर आप कोई लोन्स देते हैं, जैसे क्रेडिट लिस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू द प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी। क्रेडिट रिस्क जब भी आएगा तो काउंटर पार्टी का नाम जरूर आएगा। बिफोर मेच्योरिटी, अगर समय से पहले जो है उसने बोला फेलियर हो जाती है बिफोर मेच्योरिटी तो होता है, देयर बाय एक्सपोजिंग द अदर पार्टी टू कवर द ट्रांजेक्शन एट द ऑन गोइंग मार्केट रेट्स विद न्यू पार्टी। अगला आता है सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट में रिस्क में क्या होता है? जब दूसरा, यानी आपने करेंसी दी उसने सर्टिफिकेट देना था, या आपने करेंसी दी उसने दूसरी करेंसी देनी थी, एक भी बंदा अगर अपने वादे को तोड़ देगा तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। और काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लिया मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे वहाँ तो आज रात हो गई, बैंक बंद हो गए, लेकिन मैं दे नहीं सकता, तो टाइम जोन के डिफरेंस में अक्सर ऐसा होता है। चलो तो हम क्या बात कर रहे थे, देखिए सेटलमेंट रिस्क की बात कर रहे हैं। टाइम जोन डिफरेंस की वजह से हो जाता है बिटवीन टू करेंसी टू बी एक्सचेंज देयर वेयर वन पार्टी परफॉर्म, एक पार्टी ने अपना पूरा काम कर दिया बट द काउंटर पार्टी फेल्स हो जाती है अपना काम पूरा करने में, उस समय पर क्या होता है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है देना नहीं चाह रही, देना चाह रही है वो, ऐसा नहीं कि देना नहीं चाह रही, देना चाह रही, लेकिन टेक्निकल इश्यू से उसकी एंट्री फंसी हुई है, तो सेटलमेंट रिस्क है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, देखो लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कुछ आपने प्रॉपर्टी खरीदी है और वो प्रॉपर्टी आज बेचना चाहते हैं, तो पता नहीं वो मौके पर बिकेगी या नहीं बिकेगी, अगर वो नहीं बिक रही है तो उसे लिक्विडिटी रिस्क की तरह कहते हैं। कहता है इज द पोटेंशियल फॉर लाइबिलिटीज टू ड्रेन फॉर ए बैंक एट ए फास्टर रेट देन एसेट, यानी वो जितना एसेट से ज़्यादा क्या बोलता है, इज द पोटेंशियल फॉर द लाइबिलिटीज टू ड्रेन फॉर ए बैंक एज ए फास्टर रेट देन एसेट, के रेट से ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा होने लग जाती है। द मिसमैच इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी गिव्स राइज टू लिक्विडिटी रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपके पास फंड ज़्यादा हैं और फंड कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेट सही नहीं मिल रहा, या आपके पास सरप्लस है और आप कहीं लेना जा रहे हैं तो आपको रेट सही नहीं मिल रहा, ठीक है। Thus, it is a risk which may arise due to a party of foreign exchange transaction unable to meet the. अच्छा, अगला आता है gap risk और interest rate risk. Gap risk क्या होता है? In the course of its business, a bank buys and sells currency for spot and forward value. It may not be always possible for the bank though to match the forward purchase. अगर वो forward purchase और forward sale का difference रखता है, तो इफ द परचेज एंड सेल टेक्स फॉर ए डिफरेंट वैल्यू डेट वाइल द बैंक में कंप्लीटली स्टैंड हेज ऑन द एक्सचेंज फ्रंट, इट क्रिएट्स द मिसमैच एट फ्यूचर डेट बिटवीन द एसेट एंड लाइबिलिटी। अब क्या होता है कि अगर फ्यूचर डेट में आपको एसेट और लाइबिलिटी का जो लेन देन है वो मिसमैच होता है, तो उस कंडीशन में गैप रिस्क नजर आता है।
दीज गैप्स आर टू बी प्लग्ड बाई द बैंक बाई पेइंग रिसीविंग अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड डिफरेंशियल. और जब वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके अपना पैसा लाना पड़ता है अगर उसे जरूरत है. ठीक है, दीज फॉरवर्ड डिफरेंशियल आर इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड एनी एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट. अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल होते हैं वो वहाँ के इंटरेस्ट रेट से तय होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट होगा तो जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा एडवर्स मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, इससे आपका कैश फ्लो फर्क पड़ सकता है. आपने उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपका कैश फ्लो इतना आने वाला है, लेकिन वो उतना आया नहीं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आपको कम मिल सकता है. देयरफॉर इट इज रिस्क अराइजिंग ऑफ द एडवर्स मूवमेंट इन द इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट. तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट में अगर डिफरेंस होगा तो ये रिस्क होगा. ठीक है, अगला है मार्केट रिस्क. द रिस्क दैट अराइजेस ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ मार्केट वेरिएबल्स एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स व्हेन द प्लेयर्स आर अनेबल टू एग्जिट द पोजिशन क्विकली. अब यहाँ तो ये बात आ गई, मार्केट रिस्क में हमने बहुत बातें करी थी कि अगर मार्केट के वेरिएबल्स में जैसे एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, या कोई प्लेयर जो है अनेबल होगा अपनी पोजिशन से निकलने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट रिस्क होता है. ठीक है, चलो लीगल रिस्क की बात आती है. देखो ये सारे रिस्क फिर आपके जो चैप्टर 9 जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में भी हैं. और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, चैप्टर 9 को ज़रूर करके जाइएगा, 5 मार्क्स देगा आपको. केवल 4 या 5 पेज का चैप्टर है, उसमें वो क्वेश्चन इस तरह आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे कि अगर ऐसा है तो कौन सा रिस्क है, अगर ऐसा है तो कौन सा रिस्क है. ठीक है, चलो आगे है लीगल रिस्क में. तो सिंपल होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काउंटर पार्टी नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि अगर वो नहीं मान रहा है आपकी बातें तो आप कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं. ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, जब मेजर बैंक फेल हो जाते हैं और उनसे जो है छोटी छोटी जो काउंटर पार्टी हैं उन सबको दिक्कत आती है, और रिवर्बरेटिंग इनटू द बैंकिंग क्राइसिस, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि बैंकिंग क्राइसिस आता है. कंट्री रिस्क किसी पर्टिकुलर देश के डिफरेंट कंट्री होती हैं जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को अपनी विलिंगनेस के बाद भी नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ की सरकार कहती है, जैसे भारत पाकिस्तान की बात जाती है कई बार, वहाँ की सरकार कहेगी नहीं हमें ये नहीं करना, तो नहीं कर पाएंगे आप. सोवरेन रिस्क होता है किसी देश की वजह से, इट इज़ ए सब रिस्क ऑफ ओवरऑल कंट्री रिस्क. किसकी, कई बार क्या होता है, देखिए मान लिया किसी कंट्री ने कहा कि उस कंट्री के साथ डीलिंग नहीं करिएगा क्योंकि उस कंट्री में क्या है, ये प्रॉब्लम है. तो वहाँ पर क्या होता है कि उस कंट्री में तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसी कंट्री में कुछ सिटी ऐसी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं वहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका सोवरेन रिस्क होता है. या ऐसा कह लीजिए कि इंडिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है और इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां मान लिया नक्सलाइड एरिया है या टेररिज्म है, तो उस कंट्री में तो रिस्क नहीं है लेकिन उस कंट्री के किसी पार्ट में रिस्क है, तो इसको हम बोलते हैं सोवरेन रिस्क. ठीक है, ठीक है, सर्टेन स्टेन और एंटिटी देम्स. आगे बोलता है जरा, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा.
जब हम बीच में छोटा सा कोई ब्रेक लेते तो अपना आप टाइम यूटिलाइज करिए, अपना डिस्कशन करिए, बस बैठे रहिए, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अभी मैं थोड़ी सी देर में आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, वो स्टाइल के न्यूमेरिकल जो आपका कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। हाँ जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, चलो आरबीआई फेडआई की गाइडलाइंस पे कुछ बात आती है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि जितने भी आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज को बिजनेस को करने के लिए लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, उनको ऑथराइज डीलर बोलते हैं और उनके लाइसेंस दिए जाते हैं, और उनके लाइसेंस में पहले इनके नाम क्या बोले जाते हैं छोड़ दीजिए, एंटिटी ऑथराइज बाय द सेल फॉरेन करेंसी नोट्स कॉइन ट्रेवल चेक आर कॉल्ड द फुल फ्लेज मनी चेंजर, वाइल दोज ऑथराइज ओनली बाय द बाई और बाई जो केवल बाई कर सकते हैं उन्हें रेस्ट्रिक्टेड बोला था, जो सब कुछ कर सकते हैं उन्हें फुल फ्लेज बोला था। लेकिन अब जो नेम आ गए हैं इनके 2005 से, न्यू डेफिनेशंस आ गई हैं, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग तीन पर्सन हैं, और उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑथराइज कैटेगरी वन जो है वो बिल्कुल सुपर पावर है, ऑथराइज पर्सन या ऑथराइज कैटेगरी एडी वन या ऑथराइज पर्सन कैटेगरी वन बोलते हैं। तो सारे ऑथराइज डीलर क्या हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब लोग जो ऑल टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन हल कर लें, जिनको हम पहले ऑथराइज डीलर बोलते थे, अब उन्हें ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। पर्सन इसलिए बोला जाता है कि पर्सन का मतलब वो कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ भी होता है। चलो ठीक है, ऑथराइज फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या होता है, देखो केवल क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं लोग, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड मनी चैम्बर बोलते थे पहले। ठीक है, तो उसका क्या है, केवल वो क्या कर सकते हैं, करेंसी नोट्स और ट्रेवलर चेक ले सकते हैं। जैसे आमतौर पर जितने टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो लोग ऑथराइज पर्सन का लाइसेंस लेते हैं, और इससे जो उनको फॉरेन करेंसी मिलती है वो अपने अकाउंट में जमा कराते हैं। और तीसरा टू कैटेगरी में देखो, एक तो परचेज और सेल परचेज दोनों कर लेते हैं फॉरेन करेंसी के, ट्रेवलर चेक की, और फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन रेमिटेंस भी है, ट्रेवलर चेक्स भी कर सकते हैं, स्टडी अब्रॉड, इन सब तरह के ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन में कुछ नहीं है खास। फेडआई से आपका वैसे तो आगे टॉपिक में भी है फेडआई, लेकिन फेडआई में भी कुछ हम देख लेते हैं क्या है फेडआई में। फेडआई ने जो है कुछ रूल्स बनाता है, जो आम तौर पर सब लोग एसोसिएशन है इनकी, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जो है उनकी एक एसोसिएशन है, यहाँ पर गाइडलाइंस बनाता है फेडआई। गाइडलाइंस ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड रूल रिलेटेड हैंडलिंग टू द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बिल्स को हैंडलिंग करने का रूल्स बनाता है यहाँ पे, और ट्रांजिट पीरियड के बारे में बात करता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल के बारे में बात करता है, और अदर इश्यू पर बात करता है। इट ऑल्सो एडवाइजेज आरबीआई टू मार्केट रिलेटेड इश्यूज एंड सप्लीमेंट्स द एफर्ट ऑफ आरबीआई टू स्ट्रेंथन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन कंट्री। ठीक है, चलो नॉशनल ट्रांजिट पीरियड की बात अभी हमने कर ली, वो फेडआई करता है। ठीक है, और हाँ जरा यहाँ पे एक लाइन आ रही है, यहाँ पे लाइन पर देखिएगा, यहाँ कहता है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या हो, क्रिस्टलाइजेशन की जो है 38 डे फ्रॉम द ड्यू डेट बनाई है, नॉशनल ड्यू डेट जो होती है वहाँ से 30 दिन पर, और हैज सिंस बीन रिलैक्स। अब देखिए इसमें सुनिएगा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए आपको
क्रिस्टलाइजेशन समझ लीजिएगा, जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है मान लिया, और किसके पास रखा हुआ है, एक्सपोर्टर के पास रखा हुआ है, ये क्या है बैंक में लाता है, और मान लिया इसकी डेट है 15th of January 2021, ठीक है, और बैंक इसको क्या डिस्काउंट करा के क्या है पैसा दे देता है, ठीक है, और ये जो बिल है मान लिया डॉलर में है, किसी में भी है, ठीक है। अब 15 जनवरी को बैंक इसका जब कलेक्शन भेजता है किसके पास, जो इंपोर्टर था जिसने एक्सेप्ट किया हुआ था बिल, कलेक्शन भेजता है, और मान लिया क्या हो जाए, ये डिसऑनर हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो ये क्या है, इससे बोलता भैया पैसा दो, तुम्हारा बिल तो डिसऑनर हो गया, और अगर ये जो है पैसा इसको देने में देरी करता है तो ये क्या करता है, इसके नाम, इसका नाम हम ए रख देते हैं, ए के नाम एक खाता खोल देता है जिसमें डेबिट करता है, मान लिया 5 लाख USD का बिल था और यहां डेबिट बैलेंस खड़ा कर देता है यहां पे, यानी जो अभी हवा हवा में लायबिलिटी थी, क्योंकि वो तो उसको पैसा दे चुका था यहां पे और इसको मिलना था वहां बाद में, तो बाद में अगर नहीं मिलता है तो उस चेक को वो डिसऑनर कर देता है, और डिसऑनर की कंडीशन में, डिसऑनर की कंडीशन में वो क्या करता है, डिसऑनर की कंडीशन में कुछ दिन तक वेट करता है, कुछ दिन तक वेट करता है, और जिस दिन उसका वेट खत्म हो जाता है उस दिन वो क्लीन ओडी खोल देता है इसके नाम पर, कहता भैया इससे लेने हैं अब तो, और ये कर दिया। फिर यहां जो डेबिट कर रहा वो डॉलर में बिल था, लेकिन वो डॉलर के इक्विवेलेंट अमाउंट को डेबिट करता है, यानी किसमें करता है, रुपीज में, किसमें करता है, रुपीज में डेबिट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और टेक्निकली डेफिनेशन में ये आता है कि फॉरेन करेंसी की जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को होम करेंसी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देना, जिस दिन वो कन्वर्ट करेगा उस दिन को बोलते हैं क्रिस्टलाइज कर दिया, उसने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि 30 डे में करता, बिल के केस में 30 डे और एलसी के केस में 10 दिन। यहां पर सुन लेना, आरबीआई ने ये रूल रिलैक्स कर दिया है, उसने कहा जब तुम्हारी मर्जी हो तब, क्योंकि अब जो है बैंक अगर कोई डिलाई करता है, मान लिया पहले आरबीआई ने कहा था, फेडाई के रूल बने हुए थे, फेडाई ने कहा था कि भैया कोई भी बैंक का अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा तो उसे आप 30 डे बाद आप उसकी लायबिलिटी खड़ी कर देना, आप रिकवरी करते रहो, लेकिन 30 डे बाद आप मान लो कि आपने इससे पैसा लेना है अब तो, और वो अपनी किताबों में ले आओ, बुक में ले आओ, ठीक है। और डिसऑनर होने के केस में 30 डे है बिल के, और एलसी के केस में कितना था, एलसी केस में 10 दिन था, लेकिन ये दोनों के लिए आरबीआई ने बोला अब बैंक अपना जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन डेफिनेशन में अलग से लिखा हुआ, कॉन्सेप्चुअलिटी में यह बात है, एलसी में भी ऐसी होता है, ठीक है। तो ये कहता है यहां पे हैज सिंस बीन रिलैक्स, अपना बैंक जब चाहे करे, ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर शुड फॉर्मुलेट देयर ओन पॉलिसी, ये ध्यान रखना, पुरानी बुक वालों में तो 30 दिन और 10 दिन लिखा हुआ, लेकिन अब ऐसा हो गया, ठीक है। अनपेड फॉरेन करेंसी इंपोर्ट विल ड्रॉन अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट शैल बी क्रिस्टलाइज्ड एज पर द पॉलिसी, देखो यहां पे भी लिखा गया कि एलसी के जो बिल होंगे वो बैंक की पॉलिसी के अकॉर्ड होंगे। ऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द डेफिनेट अमाउंट और पीरियड विद स्पेसिफिक डिलीवरी डेट, यानी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड अमाउंट या अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं हो सकता। ऑप्शन पीरियड कैन बी स्पेसिफाइड बाई द कस्टमर इन केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इन द केस ऑफ द डिलीवरी पीरियड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सेल नॉट एक्सीड बियॉन्ड द 1 मंथ। देख लो यहाँ पे ऑप्शन के लिए बोला हुआ है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे
किसी भी केस में 1 month से ज्यादा के नहीं होंगे। ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट स्टेट द स्टार्ट एट स्टार्ट, सब होगा ठीक है। कैंसिलेशन की बात आती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच हैव मैच्योर्ड एंड हैव नॉट बीन पिक्ड अप शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल ऑन थर्ड वर्किंग। देखो जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हुए हैं, अगर वो बंदा उस दिन पे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, थर्ड डे पर उसको कैंसिल कर लेंगे जो उसकी मैच्योरिटी डेट है उस पे। ये सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जरा आंसर दीजिए। तो ये अभी हम लोग कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड। हम लोग फेडाई की गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं। फेडाई ना आरबीआई है ना फेमा है, फेडाई क्या है, डीलर्स एसोसिएशन ने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं म्यूचुअल वो करके, भैया हमें ये बिजनेस चलाने के लिए ये चीज़ों का वो करना है उसके हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, ऑल कैंसिलेशन बैंक, और ये भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कैंसिलेशन अपोजिट टीटी रेट पे होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये कई बार, टीटी सेलिंग रेट फॉर परचेज कॉन्ट्रैक्ट और टीटी सेलिंग, यानी अगर आपने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो टीटी बाइंग लगाएंगे, और अगर आपने बाई किया हुआ तो टीटी सेल लगाएंगे। किस केस में, जब आप कैंसिल करेंगे उस दिन पर ठीक है। यहाँ बोला थर्ड डे कैंसिल कर लेना। इन द इवेंट ऑफ द डिले पेमेंट, में डिले पेमेंट में बोल रहा है कि इंटरेस्ट 2% अबव द प्राइम रेट ऑफ द करेंसी ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक सेल बी पेड बाई द डिफॉल्टिंग बैंक ठीक है। हाँ, इन द इवेंट ऑफ द डिले पेमेंट रुपी सेटलमेंट फंड का डिले हो रहा है तो इंटरेस्ट फॉर डिलेड पीरियड 2% अबाउट द एनएससी का जो माइबॉर रेट है उससे करेंगे, और हर दिन के लिए पेमेंट होगा। ऑल करेंसी टू बी क्वोटेड एज पर द फॉरेन करेंसी, किसमें होगी, INR में। वाइल देखो JPY इंडोनेशियन और केनियन सेलिंग में क्या है 100 में होता है, बाकी सब यूनिट में होती हैं, पर यूनिट फॉरेन करेंसी होती है INR के लिए, बाकी सब के लिए। कई बार आपने देखा होगा जब JPY का न्यूमेरिकल करते हैं तो आपका आंसर जो आता है बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वहाँ पे वो 100 का फर्क होता है उसका, वो पर 100 यूनिट की वैल्यूज दी होती है ठीक है। फेडाई आल्सो प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ द कंडक्ट, भी फेडाई बनाती है ठीक है फॉरेस्ट डीलिंग के लिए ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर फेडाई ने जो है कुछ इनके ऑथराइज AD1 कैटेगरी के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकते हैं। तो उसने बोला हुआ है लेट अस ऑल्सो सी सम ऑफ द RBI गाइडलाइन, ये फेडाई नहीं RBI गाइडलाइन, एप्लीकेबल टू ऑथराइज पर्सन और देयर ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है ये गाइडलाइंस इसके RBI के ठीक है। बैंक आर अलाउड टू ओपन क्लोज रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेज और करस्पॉन्डेंट एक्सेप्ट पाकिस्तान बैंक, पाकिस्तानी बैंक ऑपरेटिंग आउटसाइड पाकिस्तान विदाउट प्रायर रेफरेंस। तो कह रहा है किसी भी पाकिस्तानी बैंक से आप कोई भी अकाउंट की डीलिंग नहीं करेंगे विदाउट प्रायर रेफरेंस टू द RBI। तो अगर किसी पाकिस्तानी बैंक से आप कर रहे हैं तो आपको RBI से परमिशन लेनी है ठीक है। ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउसेस फॉर फैसिलिटेटिंग प्राइवेट, ये बेसिकली ऑथराइज कैटेगरी 1 जो है, जो वो अकाउंट खोलती है ना सबके, उनके बारे में बात हो रही है। तो बोलता है ओपनिंग ऑफ रुपीज अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्सचेंज हाउसेस फॉर फैसिलिटेटिंग प्राइवेट रेमिटेंस थ्रू एक्सचेंज हाउस रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप रुपी अकाउंट खोल लें एक्सचेंज हाउसेस के नाम पे और प्राइवेट रेमिटेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, तो आपको RBI से परमिशन लेनी है। RBI टू ओपन क्लोज फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड टू रूट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैंडल बाय देम, बैंक आर आल्सो अलाउड टू मेंटेन बैलेंस इन दीज अकाउंट एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। तो वो कहता है कि बैंकों को फॉरेन करेंसी के अकाउंट अब्रॉड, फॉरेन करेंसी अकाउंट अब्रॉड के लिए अपने फॉरन, यानी कि नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो की बात कर रहा है ठीक है। बैंक्स आर फ्री टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई द फॉरन स्टेट
इन द रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। उसने कहा अगर आप किसी बाहर से पैसा ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट, ठीक है, उसमें कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिडुअल मैच्योरिटी जो है लेस देन 1 ईयर और वो होनी चाहिए, ठीक है। सरप्लस फंड नोस्ट्रो अकाउंट में है, उसने बोला कि आप सर नोस्ट्रो अकाउंट में, अगर आपके नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब जो आपका विदेश में आपका अकाउंट किसी और बैंक के साथ खुला हुआ है उस अकाउंट में है, तो इस अकाउंट की बात कर रहा है, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ग्रांटिंग लोन्स टू रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मीटिंग देयर फॉरन एक्सचेंज फॉर रुपी। देखो आपके नोस्ट्रो अकाउंट में, मान लिया आपके लंदन के नोस्ट्रो अकाउंट में 5,000 मिलियन डॉलर हैं अगर, तो आप उसको यहाँ डोमेस्टिक उसमें लोन बांट सकते हैं। बोला रहे रेजिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उनकी फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन वो जो और रुपी वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिशन किसी काम के लिए भी, क्योंकि वो पैसा अल्टीमेटली है तो आपका ही, अगर वो स्टॉक बाहर हो रहा है तो भी वो पैसा आपका ही है। अगला बोलता है क्रेडिट फैसिलिटी टू होली ओन सब्सिडी जॉइंट वेंचर इंडियन कंपनी, इनको भी आप मदद कर सकते हैं। लोन और ओवरड्राफ्ट की बात आती है तो आप ऑल बोरोइंग ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग ईसीबी एंड टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट इन नोस्ट्रो अकाउंट नॉट विद इन 5 डेज सेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ देयर अनरिपेयर। देख लो सुन लो, वो कहता है कि कोई भी आप ओडी लेते हैं तो वो विद इन 5 डेज में एडजस्ट होना चाहिए और वो कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होती है। यानी आपकी जो नेट वर्किंग टीयर वन कैपिटल 5,000 करोड़ है तो कभी भी आप इससे ज़्यादा का ओडी नहीं ले सकते और 5 दिनों में वो होनी चाहिए, और USD 10 मिलियन विच एवरेज हायर। तो अगर आपकी मान लिया 200 मिलियन डॉलर आपकी है तो 200 मिलियन डॉलर का आधा कितना हुआ 50%, 100 मिलियन डॉलर हुआ। तो आप इस वाले में तो 100 आ रहा लेकिन ठीक है, और इधर आ रहा 10, तो कहता विच एवरेज हायर। तो जब आपकी यहाँ पर 200 मिलियन डॉलर की वो है आपकी कैपिटल है तो आप 100 मिलियन डॉलर तक का आप लोन ओडी उठा सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉरन क्रेडिट टीयर टू कैपिटल प्लेस बाय द फॉरन बैंक हेड ऑफिस विद देयर इंडियन ब्रांचेज एंड कैपिटल रेट बाय द इंस्टीट्यूट परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट। अब बोला देखो सुन लो, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देना ओवरसीज बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको बाहर से पैसा उठा के यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट पर्पज के लिए आप कैपिटल फंड ला रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं, तो उसमें बोलता है टीयर टू कैपिटल प्लेस बाई फॉरेन बैंक्स हेड ऑफिसेस विद देयर इंडियन ब्रांचेज। तो इसके लिए बोला हुआ उसने कि जो फॉरेन बैंक्स हैं वो अपना पैसा आपके इंडियन बैंक में डाल रहे हैं कैपिटल फंड रेज बाय द इशू, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं या डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट सेल नॉट बी ए पार्ट ऑफ द अबव सीलिंग। अगर देखो वो ये कह रहा है कि ये जो सीलिंग की बात की थी 50% आपकी अपनी टीयर वन कैपिटल के लिए थी, अगर आप टीयर टू कैपिटल में कुछ पैसा ला रहे हैं तो उसके लिए क्या है ये कंडीशन सेल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अबव सीलिंग टीयर टू कैपिटल। अब देखो इसको दोबारा समझाता हूँ कि आपकी टीयर वन कैपिटल है, आपकी जो टीयर वन कैपिटल है उसका तो उसने बता दिया साफ साफ कि 50% तक या 10 मिलियन डॉलर तक आप उठा सकते हैं बोरोविंग के लिए, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी कैपिटल है जो किसी फॉरेन वाले ने किसी फॉरेन बैंक के हेड ऑफिस ने आपकी ब्रांच में रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि फॉरेन बैंक का पैसा डूब जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन इंडियन बैंक की कैपिटल का पैसा डूब जाए तो दिक्कत है। यानी एक इंडियन इन्वेस्टर को सेफ गार्ड करने के लिए ये बोला गया है, ठीक है। गौरव लिम्बा जी ने पूछा है, उसका उसका आंसर ये होगा कि जो
11.5 वाला है वो इंडिया में पूरा लागू अभी हुआ नहीं है, और दूसरा वो सीसीबी नाम से चलता है, जबकि जो क्रेडिट रिस्क के लिए निकालते हैं वो आपका जो कैपिटल है उससे दिया जाएगा। 11.5 वाला अभी नहीं लेंगे। बैंक एन अलाउ रेजिडेंट टू बुक द फॉरवर्ड, ये इंडिया के जो रेजिडेंट हैं वो भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को बुक कर सकते हैं, अपने कौन से, अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हेज करने के लिए, ठीक है। बैंक शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एक्सपोजर इररेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन बीइंग करेंट और कैपिटल अकाउंट इन नेचर। द पर्टिकुलर्स ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक्स शुड बी मार्क्ड ऑन द डॉक्यूमेंट ऑन द कॉपी रिटेन देयर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द, इसने बोला है कि ये जो भी आप करेंगे जेन्युइननेस के साथ करेंगे, कोई भी डुप्लीकेट पेपर से कोई काम ना हो जाए। और ये इसमें से जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा फिडाई गाइडलाइन में से या आरबीआई गाइडलाइन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन थ्योरी का जरूर आएगा, सुनते रहिए वहाँ काम आ जाएगा आपके, ठीक है। ठीक है, तो बैंक अपने इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को अलाउ कर सकता है कि वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर ले, और बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस अप टू एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर के फाइनेंस एक्चुअल इम्पोर्टर टर्नओवर, और वो कितना करेंगे जो उनके पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर एक्चुअल टर्नओवर, एक तो बोला उसने, देखो दो बातें बोली है उसने, बोला हुआ है कि ऑन पास्ट परफॉर्मेंस अप टू एन एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स एक्चुअल इम्पोर्टर टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर्स एक्चुअल टर्नओवर विच एवर इज हायर। दो बातें बोल रहा है इसने कि पुरानी परफॉर्मेंस का जो है, यानी कि अगर हम कहें 3, 6, 9 ऐसे मान लीजिए, और इसका पिछले 3 साल का ये है और इस बार कितना हो गया 15 हो गया, तो पिछले बार का एवरेज 9, 6, 15 और 3, 18, तो कितना हो जाएगा 6, और इस बार कितना हुआ 15, तो ये या ये, अगर मान लिया ये यहाँ पे 3 हुआ होता तो भी 6 ले लेता, लेकिन अब यहाँ पे 15 हुआ है तो 15 तो क्या था, या तो एक्चुअल ले ले या पुराने 3 साल का वो ले ले, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला जो एमएसएमई के जो एंटरप्राइजेज हैं वो भी क्या है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हैं अपने किसी भी विदाउट प्रोडक्शन ऑफ अंडरलाइन सब्जेक्ट और कंडीशन ऑफ द एसएमई इंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी विद द बैंक। अगर कोई एसएमई यूनिट बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय कर रही है तो उनको जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने की परमिशन है। इट विच इज डिजायर्स टू द बुक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वांटम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अलाइनमेंट विद द क्रेडिट फैसिलिटी, और वो जितने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा वो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी जो ले रखी उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। और इंडिविजुअल के लिए $1,00,000 तक का जो है फॉरवर्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बुक अंडर द फैसिलिटी विल नॉर्मली बी डिलीवरेबल बेसिस, नोशनल वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द इतना, एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मे बी बुक डन 10 ओवर्स ऑफ 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए कम मतलब मैक्सिमम कर सकती है, ठीक है। आगे बोलता है बैंक्स आर अलाउड टू ऑफर अदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट सच एज इंटरेस्ट रेट स्वैप, और बैंकों को ये सारा करने की परमिशन है इसमें, ठीक है। क्या बोलता है, फॉरेन करेंसी ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट कैप है, और कॉलर है, और फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है, ये सब चीज़ करने के यहाँ पे बोलता है। और ये जो है प्रोविजन फेमा के यहाँ पर लागू होंगे, बैंक कैन ऑल्सो ऑफर फॉरेन करेंसी रुपीज स्वैप टू रेजिडेंट पर्सन दैट हैज ए फॉरेन एक्सचेंज रुपी लाइबिलिटी टू हैज अ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर विद द सर्टेन कंडीशन। ये पॉइंटें जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, ये आपके एग्जाम में वहाँ पर आ सकती है, ठीक है। बैंक कैन एंटर इन टू द क्रॉस करेंसी ऑप्शन
विद देयर कस्टमर ऑन बैक टू बैक बेसिस सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन. बैंक कैन ऑल्सो इंटर द फॉरन करेंसी रुपीज ऑप्शन विद देयर कस्टमर ऑन बैक टू बैक बेसिस दे कैन ऑल्सो. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा स्पीड भी रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है. ठीक है, चलो अब आता हूं मैं न्यूमेरिकल पे. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग. न्यूमेरिकल का मतलब है हो सकता है अगले 15 मिनट आपको 5 मार्क्स दे जाएं. हो सकता है अगले 15 मिनट आपको 5 मार्क्स दे जाएं. 5 मार्क्स बहुत होते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज जो है सुनते समझते चलिएगा. चलो, बुक में दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझाते हुए चलेंगे. तो पहले बोलता है इनफ्लो. क्या बोलता है पहले? इनफ्लो का मतलब होता है बाई. इनफ्लो का मतलब क्या होता है? बाई. अगर बाई करना है तो आपका रेट कुछ भी दिया हो और ज़्यादा चर्चा ना करी हो तो छोटा वाला रेट लेंगे, यानी 68.09 लेंगे और इनटू क्या करेंगे 1 लाख USD कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, और रेट की बात आ रही है, जब भाई टीटी की डीलिंग है तो टीटी बाइंग रेट होगा आपका. ठीक है, और उसने जो दिया हुआ है उसमें आपको व्हाट रेट यू विल टेक टू कोट द कस्टमर इफ द मार्केट इज इतना इतना. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिए हुए है. दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिए हुए. जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपकी आंखें स्पॉट पर जानी चाहिए. कहां जानी चाहिए सबसे पहले आपकी? कि भैया स्पॉट रेट कहाँ लिखा हुआ है. सबसे पहले आपकी आंखें जानी चाहिए स्पॉट रेट कहाँ लिखा हुआ है, यानी कहानी यहाँ से शुरू होगी सबसे पहले. फिर आपको देखना है कि बाई है या सेल है. क्या है इसमें? योर एक्सपोर्टर कस्टमर टेंडर्स बिल एंड एक्सपोर्टर. आपका एक्सपोर्टर है, अगर आपका एक्सपोर्टर है तो उसे फॉरेन से क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगी, और वो आपके पास आएगा तो फॉरेन करेंसी लेके आएगा, और आपके पास फॉरेन करेंसी आ रही है तो बाई कर रहे हैं, जा रही है तो सेल कर रहे हैं. देखिए बहुत डिटेल्ड अच्छा लेक्चर तो यहाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन पुराने लेक्चर्स में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना रखे हैं फॉरेन कैलकुलेशन पे हमने. तो हमने कहा कि एक्सपोर्टर जब भी आपके पास बिल आएगा तो बाई होगा. आपका क्वेश्चन शुरू होगा इस लाइन से, यहां से. ठीक है, और जब भी बाई होता है तो मार्जिन क्या होता है? लेस होता है. बाई में मार्जिन लेस और सेल में मार्जिन हाई होता है. ठीक है, क्लियर हो गए? अच्छा, दूसरी बात आती है इसमें. तो यहाँ पर आपने ये माइनस किया, ये आ गया. अब यहाँ पर एक रूल ध्यान रखना, ये जो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कर सकता है. यहाँ पर उसका आंसर आया है 68.0378. ध्यान रखिएगा जब माइनस किया उसने, तो यहाँ पर ये कैसे आ गया? इसके लिए है राउंड ऑफ का मामला. यहाँ बोलता है रुपीज अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ. क्या बोलता है? नियरेस्ट 2.25 पैसा. ध्यान रखिएगा 0.25 पैसा दिया हुआ है. 0.25 पैसे का मतलब होता है ये वाली लाइन. 0.25 पैसे का मतलब होता है ये लाइन, ये वाली लाइन. यानी कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन होती है. और 25 का मतलब होता है, 25 का मतलब होता है 25, 50, 75 और 00, यानी कि 100. तो आप देखिए 78 है, 78 विल बी नियरेस्ट टू द 75, इसीलिए इस वैल्यू को लिया गया है 68.0375. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है?
चलो आगे देखिए, जो लोग इसमें चैट कर रहे हैं उन्हें चैट करने दीजिए, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ होना चाहिए, या मैं जब चैट देख रहा हूँ मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वहाँ देख लीजिए, क्योंकि जब आप वहाँ देख रहे हैं तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखिए। तो ये राउंड ऑफ का रूल है, अगर 0.25 दिया हुआ है तो थर्ड फोर्थ प्लेस पर देखना आप, अगर ये 25 पैसा दिया होता तो आप इन दोनों प्लेस पर देखते, और जंप 25-25 पैसे के हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि जो रेट है आपका ये, उसके बाद देखना प्रीमियम या डिस्काउंट, प्रीमियम या डिस्काउंट, और प्रीमियम या डिस्काउंट ये लिखिए, प्रीमियम लिखी हुई है जनवरी की कितनी 4-5, फरवरी वगैरह की बात नहीं कही है। क्यों नहीं कही है? इसलिए नहीं कही है कि आपकी जो ड्यू डेट है वो कब है, 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी का ड्यू डेट है, इसका मतलब उससे पहले वाला जो महीना है वहीं तक का जो भी हिसाब किताब होगा। 1 फरवरी का मतलब 1 फरवरी को सुबह 9 बजे आपको पेमेंट मिल सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम का मतलब वो बढ़ेगा, तो इसलिए ये वैल्यू इन्होंने क्या करी है, प्लस करी है। आपका ये रेट निकल के आया 68.47 4875। तो ये जो रेट निकल के आया उसके बाद ये बोलता है, देखना इसका फिनोमेना थोड़ा समझाता हूं मैं आपको, इसका फिनोमेना जरा समझ लीजिएगा कि 3/10/16 को, 3 अक्टूबर 16 को आपके पास आया, 3 अक्टूबर को आपके पास आया, ठीक है, और बोला कि शिपमेंट भी 3/10 को हुई है। क्या बोला? शिपमेंट कब हुई है? 3/10 को। शिपमेंट क्यों बोली है? शिपमेंट इसलिए बोली है कि कोई भी डेज का कैलकुलेशन हमेशा शिपमेंट से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर रहा है वो, उसके बाद बोलता है और कितने दिन का था, 120 डेज का था। कितने दिन का था? 120 डेज का था। तो उसने कहा इसके 120 दिन बाद आप ये बिल को लगा लेना है, बोलता है। क्या बोलता है? अब इसके बाद 120 दिन लगाते हैं, ठीक है, 120 दिन लगाते हैं, तो पहले मैं पूरे पूरे महीने लेता हूं। देखो आपका नवंबर कितना है, 30, दिसंबर कितना है, 31, जनवरी कितना है, 31, ठीक है, और यहां पर कितने दिन, उसने 120 दिन बोले ना, तो 120 दिन के हिसाब से जरा देखिएगा कि यहां पे 3 अक्टूबर का मतलब 2 दिन चले गए, 2 दिन चले गए तो कितने बचे, 2 दिन अगर अक्टूबर में चले गए और 3 अक्टूबर को शिपमेंट हुई है, तो जिस दिन शिपमेंट होती है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो दिन तो गया मान लीजिए, ठीक है। तो जिस दिन शिपमेंट होती है उस दिन कुछ नहीं हुआ यहां पर, 3 अक्टूबर को वो लेकर के आ गया आपके पास। अक्टूबर में जो डे होते हैं 31 डे होते हैं, अक्टूबर में डे कितने होते हैं, 31 डे होते हैं, ठीक है। तो 3 अक्टूबर को छोड़ते हुए जिस दिन वो किया उसको छोड़ देंगे तो 3 दिन चले गए, तो कितने बचते हैं, 28 बचते हैं, ठीक है। तो कौन से, अक्टूबर में, इनको आप ऐड कर लीजिए 120, ठीक है। यानी कि जिस दिन वो प्रेजेंट करता है उस दिन को छोड़ दीजिए, जिस दिन वो प्रेजेंट करता है उस दिन को छोड़ दीजिए, तो 120 दिन यहां पूरे होते हैं उसके, ठीक है। पूरे 120 दिन के बाद 1 फरवरी 2017 को ये ड्यू निकल के आया। ये कई बार आपको हेल्प कर सकता है, जिस दिन वो प्रेजेंट करता है उस दिन को हमने छोड़ दिया। बैटरी अभी हम थोड़ी देर में बदल देंगे, ध्रुव नारायण जी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। मेरा इसमें कहना ये है कि एक तो बात ये कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, खासकर से जब प्रीमियम या डिस्काउंट डायरेक्ट, सॉरी जो ये मार्जिन है, मार्जिन परसेंटेज में ना देके एब्सोल्यूट दिया हो, तो मार्जिन अगर परसेंटेज में ना देके एब्सोल्यूट दिया हो तो कभी जोड़ लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखने रहा है, आपका रेट है, रेट में माइनस करना है मार्जिन परसेंटेज और उसके बाद आपको प्रीमियम लगानी, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन बोलते हैं आपका रेट है,
प्लस आपका प्रीमियम है, उसके बाद आप माइनस कर रहे हैं क्या मार्जिन इनका, ध्रुव नारायण जी का। अब इसमें मैं बताता हूं आपको, मान लिया मार्जिन 1% है, कितनी 0.1%, और रेट हमारा 100 है, ठीक है, तो 0.1% कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 1% नहीं 0.1%, ठीक है, 0.1% इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, आपका ये वैल्यू बन गया क्या, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99.9 हो जाएगा, और इसमें प्रीमियम मान लिया 20 पैसा है, तो आपका आ गया 100.10 आ गया। अब यही काम अगर आप यहां करते तो पहले आपका 100 था, उसमें आपने प्रीमियम 20 पैसा जोड़ लिया तो 100.20 हो गया, ठीक है। अब आप इस पे मार्जिन निकालिए तो 100 पे 0.1 आ रहा था, 100.2 पे कितना आ जाएगा, 0.1001 समथिंग आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो भी लगभग आपका जो रेट होगा वो 100.099 ऐसा आ सकता है, मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। अगर आपको आंसर मैचिंग करनी हो तो दोनों करके देख लेना, ठीक है। और हमेशा ही ध्यान रखना, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है मार्जिन वाला, मार्जिन वाले में जो सॉरी बाई वाला केस है, ये कौन सा केस है, बाई वाला केस है, अगर मान लिया दोनों केस बाई के हैं, बाई वाले केस में जो है पहले मार्जिन को वो कर लेना, ठीक है, बाई वाले केस में पहले मार्जिन को डील कर लेना, क्योंकि उसे रेट कम करना है, ठीक है। और जब वो करना हो सेल वाला केस, तो सेल वाले में मार्जिन निकालने पहले प्रीमियम जोड़ लेना, उससे क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ के आ जाएगी, और इस वाले केस में ये वैल्यू कम आ जाएगी, क्योंकि अगर आप पहले आप प्रीमियम जोड़ के मार्जिन निकालोगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जरा हम बैटरी बदल लेते हैं तब तक। चलिए जी, हमने बैटरी बदल दी है, थोड़ी सेटिंग कर लो उसकी बैटरी की। चलिए, आपका एक 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल मैं बिल्कुल सॉलिड कराऊंगा, छप सकता है बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही, और बहुत बढ़िया उसमें समय भी दूंगा मैं उसमें, ठीक है। हाँ, आशीष अग्रवाल जी ने पूछा है प्रीवियस मंथ कब लेते हैं और करंट मंथ कब लेते हैं, प्लीज ये एक्सप्लेन कर देना, बिल्कुल कर दूंगा। चल आगे बढ़े, तो यहां पर ये बात जो उनका रेट बन गया
सारी चीज़ें क्लियर निकल के आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले पेज पर, जहां पर इन्होंने इसका ये किया हुआ। अब यहां देखिए जरा, आपने क्या करा, मैं यहां पे थोड़ा सा देखो, आपने सबसे पहले रेट लिया, उस पर आपने मार्जिन अप्लाई किया, उस पर आपने प्रीमियम अप्लाई किया, तो आप एक रेट पर आ गए, और जो वो रेट था वो रेट कितना निकला था आपका 68.4875 निकला। आपने जिस अमाउंट की डीलिंग हुई थी वो अमाउंट बना लिया। आप यहां ध्यान रखना, यहां पे एक बच्चा कंफ्यूजन जो करता है, हो सकता है यही क्वेश्चन भी 5 नंबर का आ जाए। क्या पूछेगा, कितना मार्जिन है, कितना रेट है, कितना इंटरेस्ट है, कितना कमीशन है, और कितना फाइनल आंसर आएगा, ऐसे करके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर ये अमाउंट आ गया। अब वो बोलता है कि इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट की क्यों आई कहानी, इंटरेस्ट रेट की कहानी इसलिए आ गई कि आपने बैंक वाले ने, बैंक ने इतनी तारीख को ही कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट दे दिया, जबकि बैंक को मिलेगा 1 फरवरी को। तो क्रेडिट तो कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलेगा वो 1 फरवरी को मिलेगा। अब इतने दिनों तक कस्टमर पैसा एंजॉय कर रहा है और बैंक का फंड इन्वॉल्व हो गया, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो उसने क्वेश्चन में रेट क्या दिया, जरा देखते हैं जरा, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं। क्या उसने बोला है, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना है, 8.5% फॉर पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट का मतलब भाई उसने 1 अक्टूबर को सामान भी डाल दिया, अगर शिपमेंट हो चुकी है उसके बाद कोई लोन देते हैं तो उसे पोस्ट शिपमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोलता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू कितने दिन तक, 180 डेज तक। कमी अब 180 डेज का स्लैब दिया है, इसने रेट नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, स्लैब दिया है, यानी 180 डेज तक अगर कोई लेता है तो मैं 8.5% लगाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोरोविंग है वो कितने दिनों की है, 120 डे की है, तो 120 डे की जो बोरोविंग है उसके अकॉर्डिंग रेट तो वही लगेगा। कौन सा वाला रेट, तो वही लगेगा, ये स्लैब है, लेकिन लगेगा कितने दिनों के, 120 दिन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पूरी डीलिंग है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5/100 इनटू कितने दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए, और पर डे का रेट क्या होगा, 365। तो इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहां पे देखो 120 लिख रहे हैं, क्योंकि भैया फंड की अवेलिंग तो हुई 120 डेज की, स्लैब उसका है 180 डेज का, कोई बात नहीं, तो वो आया ये अमाउंट। फिर बोला जो भी आपको मैं पैसा दे रहा हूं उसमें कमीशन काटूंगा इतना, वो इतना आया। आप क्या करेंगे, इस अमाउंट में से ये अमाउंट और ये अमाउंट माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग एक गलती मत करना, क्या आप लोग ऐसा मत करना कि पहले ये माइनस करके फिर ये परसेंट निकालना, ये दोनों परसेंट हमेशा इसी अमाउंट से निकलेंगी, डीलिंग अमाउंट से। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्रॉस रेट वाला आ गया, बहुत तेजी से देखिएगा, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, क्रॉस रेट का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे बना लेना। यहां पर कॉमन करेंसी लिख देना, कॉमन मतलब जो दो बार जिसकी चर्चा हो, दो बार किसकी चर्चा है, यूएसडी, यूएसडी की, यूएसडी लिख देना, यूएसडी लिख देना। जो इंडियन करेंसी है उसको हमेशा यहां लिखना, जो थर्ड करेंसी उसको यहां लिखना। थर्ड करेंसी इस वाले केस में क्या है, जीबीपी है। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही उतार देना। क्वेश्चन में दिया हुआ है GBP/USD, क्या आपको यहां पे कहीं ऐसा दिख रहा है जहां पे GBP पहले लिखा हो, USD बाद में लिखा हो, बिल्कुल जी हाँ, यहां दिख रहा है।
तो आप सीधे उसको ऐसे करना, यहां लिखना 1.2175 और 85, ठीक है। फिर दूसरा है यूएसडी आईएनआर, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कहीं पे, दिख रहा है यूएसडी आईएनआर, तो उसको भी बिल्कुल सीधे लिख देना 68.14/15, ठीक है। अब ये बात करता है कि क्या करना क्या है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल। अभी हमने देखा एक्सपोर्ट बिल में तो बाई हो रही है, इंपोर्ट बिल में सेल होगी। सेल होने का मतलब हायर रेट, हायर रेट का मतलब ये और ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है हायर रेट। अब ये इनटू करने के बाद जो वैल्यू आती है ये आ गई 83.0408 आ गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, मार्जिन है टीटी मार्जिन, क्योंकि सेल का केस है इसलिए आप प्लस करेंगे यहां पर, और प्लस करने के बाद ये जो वैल्यू आई है 0.166 वो आपने ऐड कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब एक बात और देखिएगा, इन्होंने इसका आंसर लिखा हुआ है 70, यहां पर 25 का कोई जिक्र नहीं है, 25 का कोई जिक्र नहीं है, तो उन्होंने 10 पैसा राउंडिंग कर ली है, इस 68 को 78 कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे आपके कंफ्यूजन है। ये जो फर्स्ट यूनिट अभी हम कर रहे हैं ना, हो सकता है कल आपको 10 मार्क्स दे जाए, 10 मार्क्स, 5 का न्यूमेरिकल, 5 के थ्योरी, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा प्लीज, बाकी मैं स्किप करता हुआ चलूंगा, बाकी मैं स्किप करता हुआ चलूंगा, इसको आपको बहुत समय देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल कैंसिलेशन वाली तो बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स की आएगी, एक कैंसिलेशन वाली और एक डबल बुकिंग वाली, दो जरूर कराऊंगा मैं, ठीक है। इसमें हमारा टाइम लगेगा इन यूनिट्स में, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चों का जो क्वेश्चन आया था वो क्लियर हो जाएगा। भैया सबसे पहले देखो, कस्टमर ने कहा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिल, जैसे ही एक्सपोर्ट बिल की बात आ जाएगी तो बाई हो जाएगा, बाई की बात आ जाएगी तो 68.45 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फिर बोला इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यहां कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अभी, उसका आंसर यह है दिसंबर के अंदर कहीं तो नंबर से चालू हो जाता है, और जैसे ही 1 दिसंबर से चालू होगा तो उससे पहला, ठीक है। आप देखिए, आप यहां पे दिसंबर का, जैसे ही दिसंबर इन द मंथ का ना 1 से शुरू, तो आप ऐसा ध्यान रखना बाई के केस में प्रीवियस लेंगे, बाई के केस में क्या लेंगे, प्रीवियस लेते हैं, सेल के केस में अप टू लेते हैं, अप टू का मतलब जिस महीने की बात की गई हो, ठीक है। तो यहां पे ये एक एक रूल आता है, मैं आगे बताते जाऊंगा। तो यहां पर आप नवंबर का लेंगे पहले, और बाई का केस था इसलिए छोटा लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो, 68.75 हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्जिन तो उसका भी इलाज हम कर लेते, केस था तो माइनस के, बिल्कुल मार्जिन 0.05 है। अब देखो क्या एब्सोल्यूट मार्जिन दिया हुआ, परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंटेज में अगर नहीं दिया एब्सोल्यूट मार्जिन दिया, तो एब्सोल्यूट मार्जिन वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे माइनस कर लेते हैं, और ये माइनस आप यहां करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, 68.45 माइनस 0.05 68.40 और प्लस 30 करते तो भी वही आंसर आ रहा है, और ऐसे करते तो भी वही आंसर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात आपको बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसमें 5वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है टाइम बीच में उठा लिया है। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल, जैसे ही यहां बात आएगी तो सेल की बात आएगी, सेल की बात आएगी तो वैल्यू स्पॉट वाली ये है 68.29, ये देखो ये उठा लिया है। उसके बाद उसने बात करी है कि आपका जो मैच्योरिटी है, उसने कहा ड्यू फॉर 15 सितंबर, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट डेट, इन द मंथ नहीं है, एग्जैक्ट डेट। जब एग्जैक्ट डेट होगी
तो आप अप टू डेट लेंगे। अप टू डेट का मतलब जो प्रीमियम या डिस्काउंट है बिल्कुल 15 सितंबर तक लेंगे। अब 15 सितंबर तक अगर आप लेते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जुलाई का क्या दिया हुआ है, देखो जून का दिया हुआ है 10-12, जुलाई का दिया हुआ है 21-23, अगस्त का दिया हुआ है 32 और 34, और सितंबर का दिया हुआ है 43 और 45। ठीक है, 43 और 45 दिया हुआ है। अब यहां देखिए एक बात कोशिश करिएगा जरा, क्या हमें चाहिए 15 सितंबर? 15 सितंबर तो है ही नहीं, या तो अगस्त है या सितंबर है, तो हम कह रहे हैं एग्जैक्ट डेट चाहिए। तो उसने एक इंफॉर्मेशन और दी है, उसने कहा अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, यानी इस बीच का भी दे दिया उसने। तो हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले तो हम अगस्त तक ले लेंगे, सेल का केस है, अगस्त के केस में 34 है वो ले लिया। फिर हम इस टुकड़े को भी लेंगे, इस 15 दिनों के टुकड़े को भी लेंगे जिसमें 6 और 7 है, 6 और 7 है, तो यहां पे आप 7 लेंगे, 41 हो जाएगा। और 41 इसमें क्योंकि सेल का केस है इसीलिए प्रीमियम क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, बिल्कुल प्रीमियम है तो ऐड होगी। और यहां पर देखो सेल का केस है तो मार्जिन को बाद में ले लिया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं पहले मार्जिन लेके करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूं। देखो 68.29 इनटू कितना परसेंट है, 0.2%, तो यहां पर आया 68.29 और इसका जो मार्जिन है 0.13658 आ गया। ठीक है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5862 4.68, और इसमें हमारा जो ये था 0.41, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आया देखो 68.83658, और यहाँ पे आता है देखो 68.84। जब हम इसको राउंड ऑफ लेंगे देखो यहाँ पे तो 68.84 ही आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी एग्जैक्ट कहीं फ़र्क आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा दाएं बाएं करके एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लग जाए कि भैया कुछ नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई, अच्छा एक प्रॉब्लम ये मुझे पता नहीं क्या है, मेरे इसमें आवाज बिल्कुल बराबर आ रही है। ये पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को तो बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है, मुझे बिल्कुल साफ साफ आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोशिश थोड़ा सा बियर कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलो तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुछ आगे पीछे करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, कुछ आगे पीछे करने से भी कोई खास फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको ठीक है, क्लियर हो गया। चलो हाँ, तो ये बताया, पता लगा कि एग्जैक्ट डेट अगर दी हो, चाहे बाई का केस हो सेल का केस हो, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट डेट तक ही निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही कंफ्यूजन करने का, देखना जरा ध्यान से। और ये जो क्वेश्चन है एक एक नंबर के आ सकते हैं। उसने बोला योर फॉरेस्ट करस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग नॉस्ट्रो अकाउंट, यानी आपका अकाउंट वो मेंटेन कर रहा है, और नहीं सॉरी, आपका फॉरेन करस्पॉन्डेंट नॉस्ट्रो अकाउंट आपके साथ मेंटेन कर रहा है। ठीक है, वांट्स टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेज ऑफ इतने मिलियन, 30 मिलियन रुपीज परचेज करना चाहता है।
अगर 30 मिलियन रुपीज परचेज करना चाहता है तो इसका मतलब क्या है? अगेंस्ट यूएस डॉलर आपसे चाह रहा है कि भैया रुपए दे दो, आपके खजाने से रुपये जा रहे हैं तो क्या आएगा? फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी आएगी तो बाई होगा या सेल होगा? बाई होगा। तो रेट कौन सा लगेगा? कम वाला लगेगा। तो उसने रेट उठा लिया, देखो कौन सा वाला, 68.2550। लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? और सिंपल, कितना रुपया है उसका? 30 मिलियन इंटू क्या करेंगे, 30 कर देंगे, ठीक है? 30 मिलियन, 30 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा, 3 करोड़ रुपीस, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है? तो 3 करोड़, ठीक है? अब देखो कितने 4 places हैं, 4 places अगर हम लेते हैं यहां पे, तो 68, 4 places से 40 आपने कैंसिल कर दिए, 3000 इंटू इतना, ठीक है? तो ये 1 0 से 0 हटा दो, क्या हो गया यहां पे, 0 2 0 आ गए, 3 0 आ गए, 3 5 जा, ठीक है, 1 सेकेंड, ये डिवाइड होगा इनटू नहीं होगा, ये डिवाइड होगा कि 30 मिलियन डिवाइडेड बाई 68.255। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आप तो देखो एक अचंभा होगा कि जब डिवाइड करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 68.255, यहाँ आपका आ रहा है 4395.28.24। ये जो आ रहा है, अगर ये वाला जो केस है यूएसडी की जगह अगर जैपनीज येन में होता, यूएसडी की जगह जैपनीज येन में होता, तो 100 वाला राउंड ऑफ का फर्क आ जाता है, ध्यान रखना। आपकी वैल्यू बहुत बड़ी सी नजर आती है तो उसके 2 place आपको बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है? ये क्लियर हो गया, डिवाइड होगा, वो मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है? आप लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, गुड। आप लोग हमसे ज़्यादा सीखे, हमें अच्छी खुशी है। हाँ जी, अब आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें संभवतः आप मिस्टेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जहां पर भी 3 करेंसी का जिक्र हो जाए तुरंत इस लाइन को बना लीजिए। 2 जगह यूएसडी है, 1 जगह जेपीवाई है और 1 जगह रुपया है। अब आप देखिए यूएसडी आईएनआर, कहीं लिखा हुआ यूएसडी आईएनआर, यहां लिखा हुआ यूएसडी आईएनआर, बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया 68.25 और 68.26 लिख दिया। अब USD JPY का मतलब ये है कि जो हमें चाहिए JPY USD, हमें चाहिए JUSD चाहिए और दिया हुआ UJ। जब भी ऐसा दिया हो तो आप उल्टा लिख लेना, क्या 1/116.5 और 1/116.6, ठीक है? और ये क्वेश्चन किसका है, इंपोर्ट इनवॉइस का है। इंपोर्ट इनवॉइस का मतलब आप सेल करेंगे तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको यह बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं थोड़ा चाय पीता हूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक है। जल्दी से कीजिए, मैं थोड़ी सी चाय ले रहा हूं।
किसका आंसर इतना आया है वो सही है, जिसका आंसर ये नहीं आया तो समझ लो उन्हें सीखना है कुछ। चलिए बीच में मैंने वॉइस बंद कर दी, मैं चाय पी रहा था, चाय की चुस्की आप तक जाती आपको डिस्टर्ब करती, इसीलिए जो है मैंने वॉइस बंद कर दी थी। चलो सुरभि मेहरा, गौरव दुबे, निशांत गौरव जी का तो चलो ठीक है, और अलिका शर्मा, इन लोगों का गलत आया है, और कुणाल कुमार जी ने बिल्कुल सही करके दिया हुआ है। अब आप देख लें जो आपके मन में सवाल है कि यहाँ तो उसने सेल का केस है तो बड़ा ले लिया, यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं लिया, उसका रीजन है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, यानी ऐसा बनेगा। इन दोनों में अब वैल्यू ये बड़ी है इसलिए इस वैल्यू को लिया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो चलिए 8 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें दो एक्टिविटी दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसमें दो एक्टिविटी दी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करेंगे। परवेश जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें पॉइंट के बाद वाले दोनों सेम क्यों नहीं लिए हुए, इसका रीजन यही है अच्छा आपने ओल्ड बुक से किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, बस समझने की बात है ना, आपको समझ में आ गया है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ जी, यहां पर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है, यहां ध्यान रखना सेल कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड मंथ की डिलीवरी है, और दूसरा जो है फॉरवर्ड परचेज है सेकेंड मंथ की डिलीवरी, तो सेल वाला केस, और उसमें देखना जरा ध्यान से, ए केस और बी केस दोनों यही बनाता हूं मैं। पहला वाला है सेल का, तो आपके प्राइस कहां दिए गए हैं, प्राइस दिए गए हैं यहां पर, तो पहला वाला सेल का तो 68.92, दूसरा वाला बाई का है तो 68.91, ठीक है। अब बोलता है प्रीमियम कोटेड एज अंडर, प्रीमियम नीचे दी हुई है यहां पे, ठीक है, और आपको करना है, तो पहले आप ये ध्यान रखिए, क्या ध्यान रख रही है कि जो सेल वाला केस है पहला वाला, उस सेल वाले में प्रीमियम देखिए कौन से मंथ में है, थर्ड मंथ में, थर्ड मंथ कहां पर है, यहां पर है, तो आप इसको उठा लीजिए 0.2850, ठीक है, 50, ठीक है। इस वाले केस में जरा ध्यान रखना, यहां आप लोग फंस सकते हैं, यहां है सेकेंड मंथ, क्या है सेकेंड मंथ, यानी ड्यूरिंग द मंथ या इन द मंथ या बिटवीन द मंथ, डेट नहीं दी है, तो परचेज वाले केस में, बाई वाले केस में जब भी ड्यूरिंग द मंथ, इन द मंथ दिया था तो पहला महीना लेते हैं, यानी सेकंड नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे, फर्स्ट लेंगे,
तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, और एक बात और आपसे गलती हो सकती है कि इसको आप ऐसे लिखना, अगर आपने ऐसे कर दिया तो हो गया आपका काम, फिर अगर आपने ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला नहीं बोल रहे आप लोग कुछ। फिर उसके बाद उसने सेल का केस है तो मार्जिन ऐड कर दिया है, ये आपकी मार्जिन निकल के आई, 0.2 निकली है, ये आ गई। अब देखो यहां पर उसने पहले प्रीमियम लिया फिर मार्जिन लिया सेल के केस में, अगर आप उससे आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। तो ये जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है, और इसने 28 को क्या ले लिया है, 25 ले लिया है। 28 को क्या लिया और 25 क्यों लिया हुआ है, उसने कहा है टू बी कोटेड नियरेस्ट 0.25, वही केस है थर्ड और फोर्थ प्लेस वाला, तो थर्ड और फोर्थ प्लेस 28 की जगह कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं, अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर इसने क्या किया हुआ, ये जो सॉल्यूशन किया हुआ है, मैं आपको बता रहा था कि ये गलती नहीं करना, ऐसा लिखना आप, ठीक है। और उसमें जो ये वैल्यू है आई है राउंड ऑफ में, देखो यहाँ 15 आई है, तो 15 की जगह क्या ले लिया उसने, 25 ले लिया, ठीक है। चलो यहां उसने थोड़ा बता भी रखा है जो रूल हम बता रहे हैं ये वाला, ठीक है। चलिए जी, छप गया क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में, कल आपके एग्जाम में 9th नंबर क्वेश्चन छपने वाला है। केवल फिगर्स में चेंज हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ मजेदार घटना बताता हूं आपको। देखो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सबकी अटेंशन चाहूंगा मैं। आज है हमारी 25, बड़ा दिन है आज, आज बहुत ही बड़ा दिन है, आप सबको मैरी क्रिसमस, ठीक है। पर आज आप संता के चक्कर में मत पड़ जाना कहीं, हाँ संता से कल मिल लेना एग्जाम के बाद में, ठीक है, ठीक है। ये मैंने 3 डेट बना दी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ₹5 बुक्ड 2 मंथ बैक एट 69.25। 2 महीने पहले, यहां से 2 महीने पहले 25 अक्टूबर 2020 को एक $5,10 का 69 पॉइंट एट द रेट 69.25 $5,00,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं इसका एक कस्टमर का अकाउंट भी यहां बना रहा हूं, कस्टमर का अकाउंट बना रहा हूं 25 अक्टूबर को कस्टमर के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, ठीक है। तो ये बताना है आपको 25 ऑफ अक्टूबर को कस्टमर के खाते में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा,
और उस दिन बैंक ने बाई किया था, और बाई सेल जब भी लिखा जाता है तो बैंक के हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, प्रीमियम हमेशा ऐड होता है भैया राजीव कुमार झा जी, केवल मार्जिन में प्लस माइनस करते हैं। कुछ लोगों ने आंसर दिया क्रेडिट, कुछ लोगों ने दिया डेबिट। देखो जहाँ पे दो आंसर आए वहाँ पे सीखने के लिए है इसका मतलब। चलो एक ने, विजीत कुमार देव जी ने डेबिट दिया, देखो सही कर लीजिए। क्रेडिट होगा जब बैंक फॉरेन करेंसी बाई करता है तो कस्टमर को रुपया देता है, कस्टमर के खाते में रुपया डालता है। कितना रुपया डालेगा? इतना इंटू इतना, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इतना ये 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 3,46,25,000, 3,46,25,000 ठीक है, क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में। अब क्या हुआ, उसने कहा, ध्यान इस बात को ध्यान से रखना, उसने कहा, कस्टमर ने कहा, फोन किया, चिट्ठी भेजी कि जो मैं आपको बिल दिया था ये आज के 2 दिन बाद पेमेंट होना है। क्या बोला उसने? आज के 2 दिन बाद पेमेंट करना। कहता है यहां 25 के बाद 2 दिन, इसका पेमेंट कब होना? 27/12 को होना था, कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसने कहा नहीं देना। क्यों? जो आपका इंपोर्टर है उसने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया अभी बिल मत देना, मेरे को कुछ समय चाहिए उसमें। बहुत ध्यान से सुनो, कस्टमर ने कहा मुझे कुछ समय चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, तो कस्टमर ने कहा समय चाहिए, तो इस दिन ये जो बैंक है अगले 2 दिन में आने वाला काम अब नहीं करेगा, और उसी दिन, किस दिन, सेम यहां पर इस डील को कैंसिल करेगा। क्या करेगा? इस डील को कैंसिल, ध्यान से सुनो जरा, कैंसिल करेगा। और कैंसिल हमेशा कौन से रेट में होता है? अपोजिट रेट में होता है। कैंसिल कौन से रेट में होता है? अपोजिट रेट में होता है। अपोजिट रेट जब हमने बाई किया था तो आपकी सेल का रेट लेगा। कौन सा रहेगा? सेल का। उठा लेते हैं जरा, देखो रेट हमें क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 67,5775 ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आज कोई भी काम कर रहा है तो मार्जिन बात भी करेगा, और मार्जिन क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि सेल का केस है। तो कितना होगा देखिए, क्या है इस पर आपने निकाला, देखो कितने परसेंट है, 0.15% है, तो निकल के आया 10/14 निकला। कितना निकला? 10/14। आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 10/14। मतलब यह हुआ कि पहले तो उसने कस्टमर को पैसा दिया था, अपनी डील वापस करेगा तो आज उससे पैसा लेगा, और जब उससे रुपया ले रहा है उसको डॉलर वापस करेगा तो सेल करेगा। बाई का अपोजिट होगा सेल, तो इतना इंटू क्या होगा, 5 लाख, ठीक है।
जिस दिन बाई किया था उस दिन तो उसके खाते में पैसा डेला, जिस दिन अपनी डील कैंसिल करेगा बैंक उस दिन उसके खाते से पैसा लेगा। कौन सी तारीख को हो रहा है काम? 25/12 को, ठीक है। तो वो कर लेते हैं हम लोग कि कितना आ जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ मिल सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपका BFM पार कराने में बहुत मददगार हो। अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, ये मैंने कहाँ गलती कर दी? अच्छा, इसको राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने। इसको देखिए, इसको रेट को इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, रेट को राउंड ऑफ किया है। अब ये प्रॉब्लम आपको वहां पर भी आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका अगर आंसर नहीं हो रहा होगा तो आपको राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था। ठीक है, तो यहां पर राउंड ऑफ करने से ये कितना आ रहा है, यहां पे इतना ना आके कितना आ रहा है, 3384 1234 आ रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जब डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, इसका जब क्या निकाल रहे हैं, राउंड ऑफ 0.25 पैसा उसने कर दिया तो हो गया। और जब उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है, 7,85,000। कितना आ रहा है, 7,85,000। तो आप देखिए, इसको माइनस कर लीजिए। आप मुझे एक आंसर करना है। अब आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, मैंने खुद जो है ये बच्चों ने जब पोस्ट किया हुआ आंसर, एक बार तो बिल्कुल यही फिगर के साथ था, एक बार क्वेश्चन यही था, फिगर अलग थी। उसमें पूछा हुआ था कि 25 दिसंबर को उस कस्टमर को बैंक ने, मतलब बैंक के इतने ड्यू हो गए क्योंकि बैंक ने कस्टमर को पहले दिए थे इतने, आज रिकवरी कर रहा है इतनी, तो इसका मतलब 785 उसको ड्यू हो गया। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को। एक नंबर क्वेश्चन यहां पूछेगा, एक नंबर पूछेगा कौन सा रेट लगेगा, एक नंबर पूछेगा उस दिन कितना पेमेंट किया था, ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन बने गए। ठीक है, अब देखो आगे। तो इतना हो गया, आपको पता है अभी क्या काम हुआ? अभी एक ही काम हुआ, बस एक काम तो पहले हुआ था, एक काम तो पहले हुआ था पास्ट में, 2 महीने पहले हुआ था, एक काम आज हुआ प्रेजेंट में, कैंसिल हो गया। लेकिन कैंसिल होके जाने थोड़ी देगा, उसको रीबुक करेगा। क्या करेगा? रीबुक करेगा। आज की तारीख में एक और काम होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रीबुक करेगा, और उसने बोला हुआ है कि 1 महीने बाद के लिए दे दो आप। तो आपको आज की तारीख से आगे 26 जनवरी को आपको बुक करना है। और बुक करेंगे, देखो पहले बाई था, कैंसिल हुआ, फिर बाई होगा, फिर बाई होगा। और बाई होने में जो ये रेट है, जो बाई होने में रेट है, यहां पर जो रेट लगेगा इस बार, बाई वाला रेट लगेगा। और बाई वाला रेट कितना है, 5675 है। अब क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। और बाई करने में मार्जिन क्या होगा, बाई करने का मार्जिन देखिए यहां पे, उसने बोला है
मार्जिन टीटी बाइंग हो या टीटी सेलिंग हो, वो हमेशा एक ही है। कई क्वेश्चन में बाइंग के लिए अलग देता है, सेलिंग ले, तो 0.15 इसका मार्जिन लगा लिया, तो 0.15 मार्जिन जब इसने लगाया तो ये मार्जिन बनता है कितना, 10-14 ही बन रहा है। तो यहां पे माइनस करेंगे, ठीक है, क्या बन रहा है यहां पे देखो, माइनस 1664.67, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 67 पॉइंट, ये देखिए अपनी बुक में देख लीजिए ये बन रहा है। अब राउंड ऑफ करेंगे तो 61 का राउंड ऑफ कितना हो, 50 हो जाएगा। यानी एक ये रेट आ गया जिसमें उसको क्रेडिट मिलना है, किसको, कस्टमर को क्रेडिट मिलना है। तो कस्टमर को क्रेडिट क्या मिलेगा यहाँ पे, ये अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 67.4650, ठीक है, इतना इंटू 5 लाख क्रेडिट होगा, फिर यहां पे क्रेडिट आएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये अभी जो हमारा ये 1 मंथ का फॉरवर्ड हुआ है, 1 मंथ का फॉरवर्ड, इस 1 मंथ के फॉरवर्ड में आपका प्रीमियम भी लगेगा, क्योंकि अब जो काम हो रहा है इस डेट के लिए हो रहा है। जब भी फ्यूचर डेट के लिए कोई काम होता है तो डिस्काउंट या प्रीमियम लगता है, और प्रीमियम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 मंथ का प्रीमियम कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोटेड करने के लिए उसने पहले से दे दिया था, ठीक हो गया। तो इसके हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी कहानी बन रही है इसकी, कि जब उसने रीबुक किया, प्राइस लगाया, मार्जिन लगाया, और उसके बाद 1 मंथ का मार्जिन जोड़ दिया, तो ये प्राइस बना 67.550। यानी कि इसमें जब हम इस वाले वैल्यू में जब जोड़ लेंगे तो 67.550 आ रहा है, 67.550 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एडिशन का ध्यान रखना, 67.476 ये है ना, तो इसमें क्या होगा, जब आप 9 जोड़ेंगे तो यहां मत जोड़े ना, 9 ऐसे जोड़ेगा, 9 पैसा है, 90 पैसा नहीं है, 9 ऐसे जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, 67.5550, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। सेवन 85 कैसे आया, आप इसको माइनस कर लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 8 गया 7। आपका ये क्वेश्चन एक ये पूछेगा, एक पूछेगा ये वाला, जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको वायलेट कलर से लिख रहा हूं, सुनना जरा, एक पूछेगा कि उस दिन कितना क्रेडिट हुआ, एक पूछेगा यहां कितना क्रेडिट हुआ, एक पूछेगा कैंसिलेशन का रेट क्या लगाएगा, एक पूछेगा अगेन रीबुक में रेट क्या लगाएगा जो ये आया है, एक पूछेगा डिफरेंस कितना होगा, इतने क्वेश्चन पूछ सकता है। करणवीर जी ये आ जाएगा तो 45 ऑल लाने पड़ेंगे, हाँ निशांत गौरव जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि आप दोनों का पहले रेट डिफरेंस निकाल लो तो भी कर लो, तो भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो बढ़िया करण भी, वो 45 तो आ जाएंगे, बाई में बिल्कुल मार्जिन लेस होता है, हमने ऐड कर दिया कहीं पे, ये मार्जिन लेस तो किया हुआ हमने,
कैंसिलेशन में, हाँ एक क्वेश्चन प्रवेश द्विवेदी जी ने पूछा, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, देखो सुनो। प्रीमियम या डिस्काउंट फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के लिए होता है, प्रीमियम या डिस्काउंट फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन के लिए होता है, जिस समय हम कैंसिलेशन कर रहे हैं उस समय हम आगे की नहीं सोच रहे, हम कैंसिलेशन एक पर्टिकुलर डेट में कर रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ, इस ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ इस डेट पर होता है। रीबुक में प्रीमियम ऐड तो कर दिया, थोड़ा आगे पीछे चल रहा लग रहा आपका वीडियो, थोड़ा पीछे चल रहा ये। चलो मेरे ख्याल से अब जितना मैं, चलो ठीक है, एनपीए प्रोविजन कोई कह रहा है अगर चेंज हुआ है तो आप उसका सर्कुलर मुझे मेल करिए, व्हाट्सएप करिए तभी। चलो आगे देखते हैं, बस ये एक अकेला जो है इसके एमसीक्यू वगैरह कर लेना भैया, एक अकेला जो यूनिट था, अकेला यूनिट था कि आपको कम से कम जो है ये अकेला यूनिट 10 मार्क्स दे सकता है, अब उसे आप लक कहें, बाय चांस कहें, किसी एक मीटिंग में ना आया कहें, ऐसा हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पुराने पैटर्न में ये यूनिट 10 मार्क्स की होती है। ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं, अब जरा बहुत ज़्यादा थ्योरी वाली चीज़ें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आज कई सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल कवर करने हैं। अच्छा, जो लोग हमारे साथ कल से क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने ये तो समझ ही लिया होगा कि एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। एक्सचेंज रिस्क का मतलब होता है जो किसी करेंसी के इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी के रेट चेंज होने से होता है। मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट कैन एडवर्सली इफेक्ट द वैल्यू, और बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं इसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कितने तरह का होता है, 3 तरह का एक्सपोजर बताया है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है वो। क्या है देखो, इसमें बोलता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, पहला क्या बोलता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसमें क्या बोलता है, Arising due to normal business operation consequent to which the value of transactions will be affected. This is affected by the transaction undertaken which may expose the company firm to currency risk when compared to the value of the home currency. तो कहता है जो normal business operation में आप लोग कोई भी transaction affect करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें करेंसी का रिस्क रहता है,
जिसको हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं, दूसरा है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इसे बोलता है दिस अराइजेज व्हेन फर्म टू हैव द री वैल्यू देयर एसेट एंड लायबिलिटी और रिसीवेबल एंड पेबल इन होम करेंसी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। देखना सुनना कि जो भी आपने कुछ काम किया हो, जब आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है तो आप सारे चीज़ों की वैल्यू को कन्वर्ट करके रखते हो। दिस ऑल्सो इज अफेक्टेड ड्यू टू द कंसोलिडेटिंग अकाउंट फॉर ऑल फॉरेन ओपन। अपने जितने भी फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट्स हैं उनका कंसोलिडेशन करते हो। दीज आर नॉट एक्चुअल कॉस्ट और गेन बट नोशनल। यानी अगर आपने जनवरी महीने में कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जून का, तो उसका इफेक्ट तो जून में आएगा, लेकिन अकाउंटिंग में तो बताना पड़ेगा आज आपके पास क्या है। तो उस दिन आप रेट उस दिन का लगा के अपना बता दोगे कि हमारे पास इतने इक्विवेलेंट रुपीस की फॉरेन करेंसी है। तो उसमें कह रहा वो नोशनल वैल्यू होती है, यानी ये तो एक्चुअल डील हो रही है, ये केवल कागजों में हिसाब किताब बना रहे हैं। एज द एक्चुअल लॉस गेन बुक एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सपोजर, इट मीन्स एनी ट्रांसलेशन वुड बी अंडरगो ए ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एट फ्यूचर डेट। यानी जो आप ट्रांसलेशन एक्सपोजर है वो फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में जा सकता है। तीसरा उसने बोला ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, दिस अफेक्ट्स द बॉटम लाइन ऑफ द फर्म कंपनी, नॉट डिलीवरी ड्यू टू द एनी फॉरन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ द फर्म कंपनी बट ड्यू टू द अदर। ये देखो, ये दोनों में तो फॉरन करेंसी की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि किसी और कारण से, एक्सटर्नल फैक्टर से, कोई मार्केट इकोनॉमी में हो, जैसे कंपटीशन चेंज हो जाए, इम्पोर्ट ड्यूटी कम ज़्यादा हो जाए और प्राइस रिडक्शन हो जाए अदर कंपनी कंट्री के एक्सपोर्टर्स की, और इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी बाई अदर कंट्री हो जाए, ट्रेड टैरिफ यानी किराया हुआ भाड़ा बढ़ जाए, कॉजिंग रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे केस में बोलते हैं ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर। सीधा सीधा बिजनेस डीलिंग होती है तो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, और ईयर एंड पे यानी टेनोर एंड पे जब भी आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका तौसीफ अंसारी जी, ये जो आपने पढ़ा है अगर आपका 0.25 होगा तो सबसे लास्ट से करते हैं, और अगर आपका 25 पैसा होता तो पहले के दो प्लेस पे करते, ठीक है। चलो आगे अगला थोड़ा इसने बोला हुआ सेटलमेंट रिस्क, यही होता है कि भैया दूसरे का पैसा आने में जो देरी हो जाती है उसको सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। और सेटलमेंट दो तरह के बताए हैं इसने, प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क बताया, दो तरह के बताए हुए हैं, प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क। यहां पे देखिए, प्री सेटलमेंट रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यू टू बैंक्रप्सी, अभी सेटलमेंट की डेट ही नहीं आई, या उसने बिजनेस एक्टिविटी कोई बंद कर दी, या बिफोर मैच्योरिटी उसने कुछ और काम कर दिया, उसको प्री सेटलमेंट रिस्क। और सेटलमेंट रिस्क होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट कुछ गड़बड़ हो जाए, यानी आज सेटलमेंट होना था वहाँ गड़बड़ हो जा रही है, सुबह की जगह कल पेमेंट आया। कई बार आप करते हैं ना, रात के 12 बजे कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, 11:59:50 पे वो होते होते अगले दिन पहुंच जाता है, तो वो आपकी बुक में कब दिखाई देता, अगले दिन दिखाई देता है, ठीक है। ठीक हो गया, सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रिस्क क्लियर हो गया। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, आपके पास अपनी फंडिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, और वो कैसे नहीं है, रीजनेबल प्राइस पर नहीं हो रही। जो लोग हमारी पुरानी क्लासेस ले रहे थे पिछले 3 दिनों में, ऐसे ऐसे वर्ड अब यहां क्लियर हो जाएंगे आपको। काउंटर पार्टी सोवरेन रिस्क क्या होता है, जो आपकी पार्टियां होती हैं वो पार्टी जो है
सामने वाली कुछ गड़बड़ कर देती है, अपना काम पूरा नहीं कर पाती है, ठीक है, मतलब वो पैसा देने में अनविलिंगनेस दिखाती हैं, पैसा देने में क्या दिखाती हैं, अनविलिंगनेस दिखाती हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, कंट्री रिस्क, काउंटर पार्टी नहीं, इसकी ग्लास चमक आ रही। कंट्री रिस्क और सॉवरेन मैंने पहले बता दिया था, कंट्री एज ए होल पूरी कंट्री है और सॉवरेन क्या होता है, उसका एक पार्ट है। ये देखो, अ सोवरेन रिस्क इज लार्जर व्हेन द काउंटर पार्टी इज द फॉरेन गवर्नमेंट इटसेल्फ। और यानी कि अगर आपकी काउंटर पार्टी जो गड़बड़ कर रही है वो कौन है, गवर्नमेंट है, और एनी ऑफ द एजेंसीज इंजॉय द सोवरेन एनिमिटी, या उनकी कोई एजेंसी है, तो वो ज्यादा होता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क को गैप रिस्क, दो तरह के होते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क और गैप रिस्क। उसमें क्या होता है, एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जब होता है तो ये होता है, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क में बता दिया कि किसी भी तरह की ह्यूमन मशीनरी स्ट्राइक सिस्टम प्रोसेस नेचुरल कैलमिटी, ऐसा सब कुछ होने से जो होता है उसको हम ऑपरेशनल रिस्क में, यानी आपका जो काम है वो काम सफर हो रहा, पूरा चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। लीगल रिस्क, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, जिस कंट्री में आपने वो किया था, लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करने लगी, उस ट्रांजेक्शन को अब रोक दिया है, अब बैन कर दिया है उस कंडीशन में, ठीक है। इसके आप एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक प्लीज कर लीजिएगा। यहां पर एक बात निकल के आ रही है कि जो भी आपका बैंक का मैनेजमेंट है वो कुछ काम करता है, जैसे आरबीआई इशूड इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन, आईसीजी ने, हर बैंक की अपनी अपनी गाइडलाइन है, आरबीआई इशूड इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइन करी है, उसमें किसके लिए, फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के लिए करी है, ठीक है। क्या बोलता है इसमें, उसने कहा है वेरियस डीलिंग लिमिट्स ऑफ फॉरेक्स ऑपरेशन करी है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, आपको इसको समझने की कोशिश करते हैं ये वर्ड्स क्या है। तो इन वर्ड्स में पहला वर्ड है ओवरनाइट लिमिट, आप अपने पास रात को कितना फंड, कितना करेंसी रख सकते हैं, ओवरनाइट हो गया, जिसको बोलते हैं ओपन पोजिशन। ओपन पोजिशन का मतलब क्या है, कम या ज़्यादा होना, ठीक है। डे लाइट लिमिट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजिशन और एक्सपोजर द बैंक कैन एक्सपोज इट्सेल्फ एनी डे टाइम। डे टाइम में एक बार में कितना प्लस माइनस, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आज हमने शाम को बिजनेस बंद किया तो हमने पाया कि हमारे पास $500 बचे हुए हैं, लेकिन दिन में पोजीशन कैसे चल रही थी, दिन में पहले प्लस 2000 चल रही थी, माइनस 1000 चल रही थी, माइनस 500 चल रही थी, लेकिन जब हमने शाम को बंद किया बिजनेस, तो ये तो है आपकी ओवरनाइट लिमिट और ये है आपकी डे टाइम लिमिट। तो पता लगा डे टाइम लिमिट 2000 से ज्यादा नहीं हो सकती तो नहीं करनी है, अगर डे टाइम लिमिट 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये गलत है, ये नहीं करनी है आपने। फिर उसने बोला क्या, गैप लिमिट, मैक्सिमम इंटर पीरियड, यानी इंटर पीरियड का मतलब 6 महीने की ट्रांजेक्शन और 8 महीने की ट्रांजेक्शन का गैप,
पीरियड मंथ एक्सपोजर विच अ बैंक कैन कीप कॉल द गैप लिमिट, कि आप डेज के बीच में इतना गैप नहीं रख सकते डेज की वैल्यूज के बीच में। देखो भैया जितना हो पाएगा उतना हो पाएगा, जितना नहीं हो पाएगा उतना अगले बार कर लेना आप लोग, मतलब पास होने के बाद कर लेना अगर नॉलेज के लिए पढ़ना हो। ठीक है चलो, काउंटर पार्टी लिमिट कि एक दूसरी पार्टी पर मैक्सिमम कितना एक्सपोजर हम ले सकते हैं, कंट्री किसी सिंगल कंट्री पर कितना ले सकते हैं, डीलर लिमिट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीलर कैन कीप द एक्सपोजर फॉर द ऑपरेटिंग आवर्स अपने पास कितना, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट हमने कहा था कि एक नुकसान को कहां तक होने दे सकते हैं हम, क्या बोलता है मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द रेट्स, कहां तक के मूवमेंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमने बताया था कि अगर वो रेट गिरता चला जा रहा गिरता तो कहीं तो आपको करना ही पड़ेगा एक्शन। उसने कहा जी जब भी ये 50 पैसा गिर जाए तो आप सेल कर दो चाहे कुछ भी हो, कल को वो बढ़े घटे छोड़ दो, मैक्सिमम लॉस लिमिट भी बोलते थे। सेटलमेंट रिस्क भी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एनी एंटिटी अप टू द स्पॉट डेट ऑल्सो फ्यूचर डेट, डील साइज एक सिंगल डीलिंग कितनी बड़ी हो सकती है इसके बारे में गाइडलाइन दी हुई है। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पता है आपको कि मैनेजमेंट कैसे कैसे काम करता है इसमें। ठीक है, मिटिगेशन का मतलब क्या है, अपने होने वाले रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, हमें क्या क्या काम करना चाहिए। तो रिस्क मिटिगेशन में हमेशा आता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट को यूज करना। ठीक है, CCIL जो है आपकी सारी डील्स जो CBLO की है, रेपो की है, इंटरबैंक फॉरेक्स डील, सबको कौन कर रहा है, CCIL कर रहा है। रिस्क मिटिगेशन की बात है, इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात आ रही है। ठीक है, और ये सब छोड़ देना भैया, टाइम नहीं है इतना, जो मैं इंपॉर्टेंट बातों पे गौर कर रहा हूँ ये फिल इन द ब्लैंक जरूर कर देना, इनको जरूर कर लेना, हो सकता है 2-3-1 मार्क्स आपको यहाँ से दे जाए। चलिए जी ठीक है, तो अब हम जो है तीसरा वाला यूनिट देखते हैं, तीसरे यूनिट में क्या है। जो और यूनिट है उसमें हम पूरा पूरा नहीं कवर करेंगे, इन दोनों को तो हमने ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर दिया। करस्पॉन्डिंग बैंकिंग, कुछ लोग तो अपने नाम भी फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब में ऐसे लगते हैं जैसे ABCD टाइप कर दियो। नीरव शाह जी ने क्वेश्चन पूछा है इफ़ केस एंड स्पॉट रेट बोथ आर गिवन। देखो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो एक ही देगा, ठीक है, और जो ये TT का रेट है वो जहाँ पे TT का रेट लिखेगा वहीं पर आप बात करेंगे। ठीक है, हम तो डिनर कर लेंगे, कई लोग तो डिनर खाने चले भी गए, 250 लोग देख रहे थे वीडियो। चलो चलो एक मज़ेदार चीज़ करते हैं, उसके बाद डिनर कर लेंगे। ठीक है, मज़ेदार चीज़ करते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बन जाए इस टॉपिक में, फिर हम करेंगे डिनर। देखो जिसने हमारा कोर्स ले रखा है या जिसने हमारे वीडियो दे रखे हैं उनको तो ये चीज़ आती होगी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मार्केट इसका छोटा सा वीडियो अभी मैंने लाइव आके बताया था, ये मैंने उसको जिस्ट करके बनाया था पूरा। आप इस फॉर्मूले को याद रखना बस कि VAR अमाउंट जो निकाला जाता है वो डेली VAR इनटू
जितने दिन का VAR इन्वेस्टमेंट से निकालना आप, ठीक है। चलो मजाक करते हैं, ऐसा है बैंकिंग बिजनेस में जितने भी फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं, मैंने उनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बोलता हूँ। एक कैटेगरी है हमारी इन्वेस्टमेंट वाली, इन्वेस्टमेंट या इंडिविजुअल या ऐसे करके। दूसरी कैटेगरी मैंने मानी हुई है बिजनेस कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी मैंने मानी है बैंक टू बैंक, इंटर बैंक। क्या मानी है? इंटर बैंक, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे, तो मेरे पास जो अकाउंट होते हैं NRO, NRE, FCNR, RFC, RFCD, ठीक है, ठीक। अगर मैं बिजनेस कैटेगरी में मानूं DDA, EFC, OFC और बिल्कुल नया नवेला आ गया है SNRR, ठीक है। और अगर मैं इंटर बैंक में मानूं नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो, ठीक है। एक कैटेगराइजेशन तो मैं ये करता हूं। दूसरा कि या तो आपका जो अकाउंट है, आपका अकाउंट या तो डॉलर में खुलता है या रुपीज में खुलता है। जब भी डॉलर में खुलता है तो उसको हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं, और जहां मैं अंडरलाइन येलो कर रहा हूं वो फॉरेन करेंसी वाले हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और जहां मैं व्हाइट लाइन कर रहा हूं वो रुपीज वाले हैं। ठीक है, तो ये तो है करेंसी क्राइटेरिया। अब एक क्राइटेरिया है कौन सा? ये वाला, ये क्राइटेरिया क्या कहता है? ये क्राइटेरिया कहता है रेजिडेंट इंडियन, ये कहता है NRI, ठीक है। NRI को मैं कौन से कलर से लूं? ग्रीन कलर से लेता हूं। NRI को मैंने ग्रीन कलर से ले लिया। NRI जिस अकाउंट को खोल सकते हैं वो आपका जहां पर भी NR लिखा हुआ वो वाले अकाउंट है, जहां पर भी NR लिखा हुआ है वो अकाउंट है, और RFC वाले भी ले लिया मैंने। जहां पर भी रेड कलर है वो रेड कलर वाले ये वाला, बल्कि इसको हटा देता हूँ, रेड कलर वाले ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट, ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सारी बातें मैंने बता दी आपको। 5 नंबर की केस स्टडी आती रही है कई सालों से।
केस स्टडी ऐसी होती है, एक न्यूली मैरिड कपल है, उसमें एक का जॉब यूएस लगा, एक का ना जॉब लंदन लगा है, लंदन वाला यहाँ मकान खरीदना चाहता है, यूएस से पैसा ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, उसके पास म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट्स हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये चाहता है वो, इस तरह के क्वेश्चंस। और आप जो ये गाइडलाइंस हैं कि कौन किस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है कौन किस में नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास, तो आपको जो है वो करना चाहिए पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा अप टू डेट पढ़ लेना चाहिए था अगर समय मिले तो, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये क्लियर हो गई आपके बात, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं पहले इन अकाउंट की, बहुत सिंपल से तरीके से बहुत जल्दी समझा दूंगा मैं आपको। ये जब आप लाइव क्लास लेते हैं ना तो उस दिन 50-60 होते हैं, जिन्होंने वो लाइव क्लास ली होगी तो उनको बिल्कुल छपा हुआ होगा माइंड में, उस समय आप लोग नहीं पढ़ते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं इनको उठा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, और कुछ क्लॉज बनाता हूं यहां पे। क्लॉज क्या है, हु जॉइंट नॉमिनी रिपेट्रिएशन, और रिपेट्रिएशन के अलावा इंटरेस्ट, ठीक है, और आता है आपका टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। एनआरओ कौन खोल सकता है, एनआरआई खोल सकता है, जॉइंट किसके साथ कर सकता है, किसी के साथ भी कर सकता है, नॉमिनी कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिपेट्रिएशन 10 मिलियन डॉलर तक एला, रिपेट्रिएशन का मतलब है जो इसमें पैसा जमा वापस कितना ले आ सकते हैं, तो एक साल में 10 मिलियन डॉलर, ठीक है। इंटरेस्ट होता है कैसे, अकाउंट सभी अकाउंट, सभी से मतलब SB करंट अकाउंट, RD और FD, ठीक है। NRE अकाउंट कौन खोल सकता है, सिर्फ NRI खोल सकता है, जॉइंट हो सकता है लेकिन F और S में, अब सुनिएगा जरा, F और S में, S जो है रेजिडेंट इंडियन हो सकता है, लेकिन अगर ई और एस में खोलेगा, अगर ई और एस में खोलेगा तो दोनों को एनआरआई होना जरूरी है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, रिपेट्रिएशन फुल अलाउड है, जितना ला रहा सब ले जा, इंटरेस्ट है, अकाउंट सारे खोल सकता है। FCNR में एनआरआई ही खोल सकता है, एफ और एस में खोल सकता है, एफ और एस में रेजिडेंट इंडियन, वैसे कोई भी नॉमिनी हो सकता है, रिपेटिशन फुल अलाउड है, इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन केवल FD खुलती है और कम से कम 1 साल के लिए खुलती है, 1 से 5 साल, लेकिन आजकल कहीं कहीं देखने आ रहा है 1 से लेकर 10 साल तक भी खोल सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के स्लैब का लगेगा, इसको चेक कर लेना। RFC क्या होता है, RFC रेजिडेंट है तो खोलने वाला बंदा कौन होगा, रेजिडेंट होगा, जॉइंट किसी के साथ भी हो सकता है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, रिपेट्रिएशन नहीं अलाउड है, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और नहीं इसमें एक मिनट को, रिपेट्रिएशन अलाउड है, रिपेट्रिएशन अलाउड है, ठीक है, और इसमें जो टाइप होगा वो FD के फॉर्म में रखता है, ठीक। RFCD होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, यानी रेजिडेंट खोल सकता है, और इसमें एक बात ध्यान रखना कि RFC जो होता है वो जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अमरेश पुरी टाइप के लोग होते हैं जो बाहर से सब कुछ अपना बेच करके इंडिया में परमानेंटली सेटल होने आते हैं, तो उनको RFCD बोलते हैं, यानी अब वो रेजिडेंट इंडियन का स्टेटस लेके आ रहे हैं और
रेजिडेंट इंडियन या पीआईओ का स्टेटस है, लेकिन अब वो इंडिया में आ गए हैं तो उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी बनाई गई है। आरएफसीडी वो होता है जो कभी विदेश गया ही नहीं, फिर भी पैसा आ रहा है उसको। तो जो आरएफसीडी वाला होता है फिर भी पैसा आ रहा है, वो बंदा रेजिडेंट इंडियन है, उसको कहीं से उनके फादर की कोई पेंशन हो सकती है, उसको कोई गिफ्ट आ सकता है वो, लेकिन ये केवल करंट अकाउंट खोल सकते हैं जो कि जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर खुलता है। यहाँ सब कुछ ओके है, ठीक है, और इंटरेस्ट उसको क्या है, 0% है। तो ये मैंने आपको बताया सारे अकाउंटों का निचोड़। और इन्वेस्टमेंट देखो बहुत सारे फैक्ट है, कवर नहीं कर पाएंगे हम, फिर भी अच्छा। बिजित कुमार जी, 1 मिलियन USD है क्या, मैंने गलत लिख दिया, चलो इसको चेक कर लेना भाई, ये बुक में लिखा हुआ आपके, ये येलो कलर से कर रहा हूँ, चेक कर लेना, वो बुक में जो लिखा हुआ वही मानना भैया, 1 मिलियन बता रहे हैं, ठीक है। चलो अगला वाला काम कर रहे हैं हम, कौन सा वाला, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, EEFC, DDA और OFC और SNRR। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये करंट अकाउंट खुलते हैं सारे, ऑल सारे करंट अकाउंट खुलते हैं, इसका मतलब 0%। दूसरा ये वाला फॉरेन वाला बंदा खोलता है, बाकी सब रेजिडेंट इंडियन खोलते हैं, ठीक है। ये वाला अकाउंट अदर कंट्री में खुलता है, ये वाला अकाउंट जो आपके AD1, AD3 कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको हम मनी चेंजर बोलते हैं, वो भी खोल सकते हैं। ट्रेडिंग पर्पस से करंट अकाउंट खोलता है जिससे अपनी लेन देन चलती है। DDA वाला अकाउंट डायमंड डॉलर अकाउंट है, जो कि गुजरात में जो डायमंड के व्यापारी हैं वो लोग खोलते हैं। अगर उनका 3 करोड़ का टर्नओवर है लास्ट 3 ईयर में, वो खोल सकते हैं। 5 करेंसी में ये अकाउंट खुलता है, यानी अगर उसकी अफ्रीका से डील है तो अफ्रीका करेंसी में कर लेगा, अमेरिका से डील है तो अमेरिका की करेंसी में कर लेगा, और अगर उसकी कहीं पर ऐसी डील है जो ऐसी कंट्री है जैसे जैपनीज में डील है तो वहाँ कर सकता है वो, ठीक है। कोई भी 5 करेंसी के डिफरेंट 5 अकाउंट वो खोल सकता है, ठीक है। बैटरी ब्लिंक कर दी थी मैंने, उसमें रुपये का थैला रख दिया, अब नहीं लिंक करेगी, ठीक है। चलो आपके यूट्यूब की इनकम के लिए RFCD में आता है। देखो पार्थ जी, आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने में आप एक गलती कर गए, वो गलती ये कर गए, इस अकाउंट का नाम क्या है पहले ये बताइए। RFCD, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी। अब देखो यूट्यूब जो है डॉलर को कन्वर्ट करके देता है, या यूं कहिए, हाँ इसमें आपसे आपके क्वेश्चन का एक चीज हो सकती है, अगर हम ये वाला अकाउंट खोल लें तो यूट्यूब हमारे इस अकाउंट में डॉलर ही डाल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप फॉरेन करेंसी में ही फंड रखना चाहते हैं तो आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, या हम अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब से हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आती है, यूट्यूब से इनकम तब आती है जिनके जो सब्सक्राइबर होते हैं 80, 90, 100, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख होते हैं, उनकी आती है। ऑन एवरेज यूट्यूब से इनकम जो है 5 से 6 हज़ार रुपये हमको आती है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एग्जाम समय में यूट्यूब देखते हो, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गई। तो पार्थ जी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर हाँ जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब कर रहा हूँ, ये केस स्टडी जब आएगी है तो आपकी हो गया, ठीक है। पार्थ जी समझ गए ना मेरी बात, अगर हम वो करेंगे तो आ भी सकती है। नहीं भाई
ध्रुव जी कह रहे हैं आपके भी होंगे, चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इस SNRR के बारे में सुन लिया। देखो OFC अदर फॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब है, आप मान लिया चाइना जाते रहते हैं बार बार और वहां के लोकल वेंडर को पेमेंट करना पड़ता है, तो आपने वहीं अकाउंट खोला, वहीं से चेकबुक ली, वहीं से काट काट के देते रहे, पेमेंट होता रहा। इसका बिल्कुल अपोजिट अकाउंट है SNRR, इसका बिल्कुल अपोजिट अकाउंट है SNRR। क्यों अपोजिट है? पहली बात तो ये अदर कंट्री में खुलता है और ये हमारी अवर कंट्री में खुलता है। इसको जो है इंडियन खोलते हैं, इसको फॉरेनर खोलते हैं, ठीक है। ये जो है फॉरेन करेंसी में खुलता है, ये इंडियन करेंसी में खुलता है। जैसे कोई बंदा विदेश जाके अपना बिजनेस कर सकता है, ऐसे ही कोई फॉरेनर इंडिया आके भी अपना बिजनेस कर सकता है, ठीक है। चलिए जी, ये भी होता है। देखो बहुत सारी बातें छूट भी सकती हैं, लेकिन समय को देखते हुए चलो अगली बात। SBI ने 2-3 बैंकों के अकाउंट खोले हैं, सिटी बैंक ने 2-3 बैंकों के खोले हुए हैं, ANZ ग्रिंडलेज बैंक है ऑस्ट्रेलिया का, इसने भी 2-3 बैंकों के अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है। SBI कहता है माई अकाउंट या अवर अकाउंट विद यू। अगर SBI ऐसा कहता है और इस अकाउंट के लिए कहता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट हमेशा फॉरेन कंट्री में खुलता है और इसमें जो बैलेंस होता है जिस कंट्री में ये खुला हुआ है उस कंट्री की होम करेंसी में होता है, ध्यान रखना। अगर आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ गया तो ये माना जाता है आपको आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिटी बैंक ये कहता है, और सॉरी सिटी बैंक का एक अकाउंट यहां खुला हुआ है, तो SBI दोबारा SBI कह रहा है, क्या कह रहा है SBI कह रहा, क्या कह रहा है SBI, देखो सुनो, यूअर अकाउंट विद मी, इस अकाउंट की बात कर रहा है। और ये अकाउंट किसमें खुलेगा? तो जब सिटी बैंक से पैसा मांगना है तो दो तरह से मांग सकता है, कहता है मेरे नॉस्ट्रो में डाल दो, या कहता है अपने वॉस्ट्रो में या डाल दो, ठीक। तीसरा आता है, और इस अकाउंट को बोलते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट, क्या बोलते हैं? वॉस्ट्रो अकाउंट। थर्ड, इसको कौन से कलर से ले ले, ग्रीन से लेते, चलो हाँ। कहता है कि देयर अकाउंट, इसे बोला सिटी बैंक से, देयर अकाउंट यानी PNB का अकाउंट विद देम। कहता PNB का अकाउंट जो ANZ ग्रीनलेज में वहां डाल दो, क्या है कौन रहा, यानी 3 बैंक शामिल हो रहे हैं इसमें, उसको बोलते हैं लोरो अकाउंट। बहुत छोटे समय में इतना ही समझा सकता हूं मैं। चलिए अब ये ब्रेक होता है, डिनर ब्रेक। कौन सा ब्रेक? डिनर ब्रेक होता है, मिलते हैं डिनर के बाद, आगे बढ़ेंगे इन टॉपिकों पर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए थैंक यू, 250 लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट, जो भी एम्प्लॉय, जो भी यहाँ वीडियो देख रहा है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 10-12 और बढ़ जाएंगे, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच।